तीर्थम यथा ग्रामीण यथा नगरी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपकी मनोकामना श्री हनुमान जी महाराज अवश्य पूर्ण बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्यावर राम चंद्र भगवान की जय हो। अखिल भारतीय श्री राम नाम जागरण मंच और मंच के अपने पावन तत्वावधान में गाई जा रही 107वीं 11 दिवसीय श्री राम कथा एवं पर्यावरण सुरक्षा यज्ञ श्री राम कथा महोत्सव फैजुल्लागंज के द्वितीय दिवस की पावन चांद बेला पर अखिल भारतीय श्री राम नाम जागरण मंच की व्यास पीठ पर विराजमान पूज्यपाद प्रतास्मरणीय श्री महाराज जी के चरणों में श्री अखिल भारतीय श्री राम नाम जागरण मंच परिवार राम परिवार मित्र मंडली फैजुल्लागंज लखनऊ की ओर से दूर और पास से पधारी समस्त भगवत्री भक्तजनों की ओर से तथा ध्वनि विस्तार के यंत्रों के माध्यम से हमें श्रवण पान कर रहे समस्त भगवत्री भक्तजनों की ओर से और शुभारती टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में जहां तक भी आप ने देख पा रहे हैं ऐसे समस्त भगवत्री भक्तजनों की ओर से पूज्य श्री के चरणों में सत सत नमन प्रणाम अभिनंदन वंदन एवं स्वागत। द्वितीय दिवस की पावन चांद बेला और इस पावन मंगलमय बेला पर दूर और पार्श्व पधारी समस्त भगवत्री भक्तजनों का ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से हमें श्रवण पान कर रहे समस्त भगवत्री भक्तजनों का और शुभारती टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में विज्ञान के माध्यम से जहां तक भी आप हमें देख पा रहे हैं ऐसे समस्त भगवत्री भक्तजनों का श्री अखिल भारतीय श्री राम नाम जागरण मंच परिवार और राम परिवार मित्र मंडली फैजुल्लागंज की ओर से यथोचित अभिवादन अभिनंदन प्रणाम एवं स्वागत। पूज्य महाराज श्री व्यासपीठ विराजमान हो चुके हैं। इस क्रम में मैं व्यासपीठ पर पूजन के हेतु मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान प्रदीप शुक्ला जी पार्षद, श्रीमान राम शरण सिंह जी मंडल अध्यक्ष, श्री दिनेश तिवारी जी चेयरमैन जिला सहकारी बैंक, श्रीमान गिरीश चंद जी उपाध्यक्ष राज्य ललित कला अकादमी संस्कृत विभाग, श्री रमेश वर्मा जी और श्रीमान श्यामू दीक्षित जी कृपया मंच पर आ जाएं, जिनके नाम बुलाए गए कृपया मंच पर आ जाएं। अखिल भारतीय श्री राम नाम जागरण मंच और मंच के अपने पावन तत्वावधान में गाई जा रही 11 दिवसीय श्री राम कथा एवं पर्यावरण सुरक्षा यज्ञ श्री राम कथा महोत्सव फैजुल्लागंज के द्वितीय दिवस की पावन सांध बेला पर अखिल भारतीय श्री राम नाम जागरण मंच की व्यासपीठ का पूजन हो रहा है। श्रीमान प्रदीप शुक्ला जी टिंकू भैया पार्षद, श्रीमान राम शरण सिंह जी मंडल अध्यक्ष उत्तर चार, श्रीमान दिनेश तिवारी जी जिला सहकारी बैंक चेयरमैन, श्रीमान गिरीश चंद जी उपाध्यक्ष राज्य ललित कला अकादमी संस्कृत विभाग की ओर से,
साथ में श्रीमान श्यामो दीक्षित जी समाज सेवी, जिनके द्वारा व्यासपीठ का पूजन द्वितीय दिवस की पावन शांत वेला पर हो रहा है। अखिल भारतीय श्री राम नाम जागरण मंच और मंच के अपने पावन तत्वावधान में आयोजित 11 दिवसीय श्री राम कथा एवं पर्यावरण सुरक्षा यज्ञ श्री राम कथा महोत्सव फैजुल्लागंज लखनऊ के द्वितीय दिवस की पावन शांत वेला पर अखिल भारतीय श्री राम नाम जागरण मंच की व्यास पीठ पर विराजमान पूज्य श्री महाराज जी का स्वागत हो रहा है। राम परिवार मित्र मंडली फैजुल्लागंज लखनऊ की ओर से और आइए भगवान की पावन संध्याकालीन आरती का समय, हम सब भक्तजन यथास्थान खड़े होकर के भगवान की पावन आरती में अपने आप को सम्मिलित करेंगे। और आज की पावन मंगलमय आरती स्वयं जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर आनंद घन परमानंद ब्रह्मानंद स्वयं श्री राघवेंद्र सरकार के पावन चरणों में सादर समर्पित। आरति श्री रामायण जी कीरत कलित ललित श्री अपेकी गावत ब्रह्मा दिख मनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विचारद सुख शन का दिशेष अरुशारद बरनि पवन सुत की आरति श्री रामायण जी गावत वेद पुराण अष्टदश छह शास्त्र सब ग्रंथ कोश मुनि जन धन सम तन को सर्वश सारे अंश सम्मत सभी आरत श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सियति की गावत संतत शंभु भवानी अरुभट मुनि व्यास यादि कवि वर्ज बखानी काग भूषोट गरुड़ के आरत श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सियति की कली मल हरण विषय रस फीकी सुभग शिकार मुक्ति चुभती दलद रोग भव के आरत श्री रामायण जी की आरत श्री रामायण
कारुण्यरूपं करुणाकरतां श्रीराम चंद्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मागततुल्यवेगं जिते प्रियं भूतिमता परिष्टं वातात्मजं भगवान की जय हो। पूज्यपाद श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री व्यास जी महाराज की जय हो। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राम कथा महोत्सव की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। गंगा माता की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। द्वितीय दिवस की पावन शांत बेला और इस पावन मंगलमयी बेला पर अखिल भारतीय श्री राम नाम जागरण मंच की व्यासपीठ पर विराजमान पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए बिना किसी विलंब के हम लोग चलते हैं सीधे व्यासपीठ की ओर और पूज्य महाराज श्री से आग्रह करते हैं कि भगवान की पावन रसमयी आनंदमयी और मंगलमयी कथाओं के बीच हम सब भक्तजनों को लेके चलें पूज्य श्री महाराज जी। ओम स्वस्ति गणेशाय नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां चकर्तारो वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकर
करो वंदे। श्रद्धा विश्वास रूपिनो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वास्थमीश्वरम्। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् कैसौरिसौरभसमाहितयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सनवानि सालपरप्रीति परागपुञ्जम् दूर्वादलदुतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरम्बर विभूषण भूषितांगम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिम् पूर्तिम् मनोरथ भुवाम भज जानकीशम् अतुलित बलधामम् हेम शैलाभुदेहम् धनुजवन कृशानुम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तम् वातजातम् नमामि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तात्र तात्र कृतमस्तकांजलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसांतकम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता साखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम् श्यामांडवी उर्मिला श्रुति की रति बरबाम चारि सुवन चारि रतन तुलसी करत प्रणाम हनुमत आय पधारिये कथा रसिक प्रभुदास संत शरण है शरण में पूरन की जय आस भागीरथी भवतारिणी रूप मनोहर वंब देहु कथा रघुनाथ की कृपा करहु जगदम्ब बंदम तुलसी के चरण
जिन्हें कीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रकट्यो सप्त जहाज भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनंत नाशत विघ्न अनंत। भगवान की पावन गुणानुवाद गाथा में आइए सबसे पहले भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की स्तुति हम लोग भावमस्ती में गाएं, श्री राम जी की स्तुति करें, फिर आगे भगवान की कथा में प्रवेश हो। श्री रामचंद्र कृपालु भजबन हरण भव भय दारुण श्री रामचंद्र कृपालु भजबन हरण भव भय दारुण नव कंज सरे जानत रावण
मंचा कल्पतर भगवान भक्त वत्सल दीन वत्सल वत्सल दीन बंधु दीनानाथ करुणागार कृपा सिंधु भगवान स्वयं श्री राघवेंद्र सरकार श्री राम कथा के सभी भागवत आचार्य प्रवर सनातन धर्माचार्य परम श्रद्धे बाबा भूत भावन भोलेनाथ जिनकी मंगल में भावभीनी उपस्थिति प्राप्त करके हम सब भगवान कथा में आनंद प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे परम श्रद्धे गुरुवरेण्य पूज्यपाद श्री राम भक्त भूषण श्री हनुमान जी महाराज सभी संत विद्वजन महात्मा जन कलिपावनावतार पूज्यपाद भक्त प्रवर संत शेखर जिनकी मंगल में श्रम साधना से साहित्य साधना से हम सब भगवान की कथा को प्राप्त करते हैं, ऐसे श्रद्धे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री अखिल भारतीय श्री राम नाम जागरण मंच जिसकी अपनी मंगलमय यात्रा बिल्कुल एक कदम पीछे मात्र है, हम लोग 108 तक पहुंचने जा रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता है। बड़ी श्रम साधना होती है साहब भगवान की कथा में निरंतर, और श्रम साधना में अपने जीवन को प्रत्येक क्षण जिन्होंने अपनी सांस लगाई है, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे स्नेहिल श्री निर्मल शास्त्री जी, पंडित हरिओम जी, पंडित अंकुर जी, आपके यहाँ जो यज्ञ चल रही है उस यज्ञ में आए पधारे श्रीधाम अयोध्या से सभी विद्वतगण विद्वतजन संगीत मंडल के सभी व्यासगण दूर पास से पधारे श्री राम कथा रसक सज्जन वृंद श्रद्धामयी माताएं बहनें बच्चों आपके पावन परिक्षेत्र में हमारे भगवान की जो 11 दिवसीय राम कथा का पावन दिव्य आयोजन हुआ है इस आयोजन में आप सब पधारे हैं। आज द्वितीय दिवस की सांध्य वेला है, वही संध्या पवित्र होती है जिस संध्या में भगवान का स्वागत हो जाए, नहीं तो जीवन क्षण क्षण करके जा रहा है साहब, एक एक श्वासें सब जा रही हैं, बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण श्वासें निकली जा रही हैं, उन श्वासों को भगवान से जोड़ने का उपक्रम है, एक प्रयास है। आप सब अपनी श्वास भगवान की कथा से जोड़ें और 11 दिवस तक 3 घंटे की जो दिव्य साधना हो उस साधना में भगवान का ही नामोच्चार हो, इस पावन उद्देश्य के साथ इस कथा का दिव्य आयोजन हुआ है। और गत संध्या में हम लोग श्री रामचरित मानस के कुछ विषयों को जाने, आज हमारे भगवान शिव का विवाह है, यात्रा बहुत दूर तक चलना है। गोस्वामी जी शिव विवाह के लिए 3 यात्रा करते हैं, हम लोग भी यात्रा करें। प्रथम यात्रा अयोध्या धाम, दूसरी यात्रा गोस्वामी जी करते हैं प्रयाग की, और प्रयाग के बाद बाबा बद्रिकाश्रम की यात्रा करते हैं, बद्रीनाथ धाम तक जाते हैं, वहां पर जहां त्रिजुगी नारायण जी हैं, त्रिजुगी नारायण जी जहां हैं उसी स्थान पर भगवान शिव माता पार्वती का विवाह हुआ था। ये तो 3 यात्रा रही है, इसके साथ गोस्वामी जी रुकते नहीं हैं, ये तो 3 प्रमुख स्थान हैं। स्वामी जी भगवान शिव को भी दूल्हा बनाते हैं और उनके साथ बारात में भी जाते हैं, बड़ी दिव्य कथा भगवान शिव की। हम लोग उस ओर चले, उसके पहले आओ चलते हैं श्रीधाम अयोध्या, अपने मन के भावों से चलेंगे, नहीं तो इतनी लंबी यात्रा शरीर से संभव नहीं है। एक मन ही भगवान ने ऐसा बनाया है कि जिस तीर्थ में जहां जाना चाहो साहब एक क्षण में पहुंचा देता है, ये भी भगवान की कृपा है। उस मन से चाहे तीर्थ यात्रा कराओ चाहे लंदन घूमो, अब जहां चाहोगे चला जाएगा, नाम लेंगे नहीं कि आप पहुंच जाएंगे, नाम लेने में देरी होती है लेकिन हमारा मन वहां पहुंच जाता है। जिस शहर में गया है वहां तो पहुंच ही जाता है, जहां नहीं गया है वहां भी एक कल्पना को साथ लेकर पहुंच जाता है और वहां की अट्टालिकाओं का दर्शन कर लेता है। मन की यही दशा है,
ये मन की दशा है, चेतन अवचेतन दशाओं में जो दिव्य विराजित रहता है उसका नाम मन है। मन भगवान का मन कौन है? मन का भगवान के क्या स्वरूप है? भगवान के भी तो मन है, हमारे आपके अंदर तो मन है। भगवान के भी मन है, हमारे देवर्षि नारद जी भगवान के मन कहे गए हैं। देवर्षि नारद को भगवान का मन कहा जाता है। तो हम लोग अयोध्या चले, पहले अयोध्या में कनक बिहारी सरकार के पावन पाद पद्मों में बैठे और आज के दिव्य श्वेत धवल छटा हमारे कनक बिहारी जी का, जुगल सरकार का दर्शन करें अपने भाव भूमि में, और वहां विराजमान हमारे सरकार का दर्शन करते हुए उनके चरणों की शरणगति नित्य की भांत प्राप्त करें और फिर भगवान की कथा में प्रवेश लें, भाव मस्ती में गाएं। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार श्री भगवान के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, भगवान के चरणार बिंद, राजा राम 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 के चरणार बिंद, सीता राम के चरणार बिंद, सीता राम के चरणार बिंद, राजा राम के चरणार बिंद, राजा राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार श्री रघुनाथ के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, भगवान के चरणार बिंद, सीता राम के चरणार बिंद, सीता राम के चरणार बिंद, राजा राम के चरणार बिंद, सीता राम के चरणार बिंद, भगवान के चरणार बिंद, भगवान के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीता राम 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 के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, भगवान के चरणार बिंद, राजा राम के चरणार बिंद, राजा राम के चरणार बिंद, सीता राम के चरणार बिंद, सीता राम के चरणार बिंद, राजा राम के चरणार बिंद, राजा राम के चरणार बिंद,
और स्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरित मानस में वंदना करते हैं। विश्व का कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिस ग्रंथ में इतनी वंदना की गई हो। स्वामी जी वंदना करके कभी थकते नहीं है। दुष्टों की वंदना कर लिया और दुष्टों की वंदना दो बार किया, बहुरी बंद खल गन सति भाए जे बिन काज दाहिने उबाए। ऐसे मूर्खों की मैं वंदना करता हूं जो बिना काम के दहने बाएं लगे रहते हैं, उनका कोई काम नहीं है। बहुरी माने दोबारा मैं वंदना करता हूं, बार बार उनकी वंदना करता हूं जिनका कोई कार्य नहीं है फिर भी वो दहने बाएं लगे रहते हैं। स्वामी जी ने उन्हें खल कहा, मूर्ख कहा। गत संध्या में आप लोग सब जाने कि हमारे सनातन के पांच प्राण हैं। ये सब चीजें आगे चल करके आपको बताना होगा अपने आने वाले पीढ़ी को, और नहीं तो सब रह जाएगा। इन सब चीजों को कहीं नोट कर लिया करो, मोबाइल में ही रखो, अनिवार्य है, नहीं मिलने वाले। स्वामी जी के वंदना प्रकरण का भी बहुत अद्भुत दर्शन है, बहुत सुंदर दर्शन है। प्रथम वंदना स्वामी जी अयोध्या की करते हैं, अयोध्या की वंदना करते हैं। अयोध्या में क्या है? अयोध्या की भूमि की वंदना करते हैं। उसके बाद अयोध्या की एक ऐसी सलीला की वंदना करते हैं, माता सरयू की वंदना करते हैं। सरयू कौन है? महाराज सरयू माता आज भी अयोध्या के राजवंश की साक्षी है। अयोध्या में सरयू आज उत्तर दिशा में जो बह रही हैं, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि अयोध्या में सरयू उत्तर दिशा में प्रवाहित है। वाल्मीकि कौन है? वाल्मीकि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के समकालीन है, समकालीन ऋषि है। भगवान श्री राम जी का हमारे जो कालखंड था वो उत्तर वैदिक काल था। वैदिक काल की गणना होती है तो श्री राम जी से होती है, क्योंकि भगवान श्री राम जिस समय आए थे उसी समय वैदिक ऋषि थे, कृत समझ जी थे, दीर्घतमा जी थे, विश्वामित्र जी थे, ये सब वैदिक ऋषि हैं। विश्वामित्र जी के पुत्र का नाम है मधुच्छंदा, वो भी वैदिक ऋषि हैं। तो राम जी अपने यहां वेद को लेकर के चर्चाएं हुई। मैक्स मुलर ने कहा कि 1200 वर्ष पहले ईशा के 1200 वर्ष पहले वेद आए। तिलक जी ने कह दिया नहीं 2500 वर्ष पहले आए। पाश्चात्य विद्वानों ने और भारतीय विद्वानों ने तो ये चिंतन किया। उसके बाद पंडित दीनानाथ शास्त्री ने कहा नहीं, ईसा के 868,900 वर्ष पहले भगवान आए। 868,900 वर्ष पहले हमारे राघवेश धराधाम पर पधारे, उतार लिए। अब विचार करो, उस समय वाल्मीकि जी भी थे और जो राम के नाम जी के समकालीन हैं, वहां वाल्मीकि जी कहते हैं सरयू उत्तर दिशा में बह रही हैं। तो राम जी के समय में सरयू थी, इक्ष्वाकु महाराज के समय में थी और आज भी है। तो सरयू हमारे राम कथा की साक्षी है, इससे बड़ा और क्या प्रमाण ले सकते हो? आज भी सरयू की धारा प्रवाहित रहती है। मेरे भाई बहन, आज भी जब चैत्र का महीना लगता है, ये चैत्र का माह प्रारंभ है ना, आज भी इस माह में अभी सरयू जी बड़ी दुबली हैं, लेकिन जैसे शुक्ल पक्ष आने को होगा धीरे 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 बढ़ने लगती है, जल प्रवाह बढ़ने लगता है अयोध्या में। किसी ने सरयू से एक बार पूछ लिया है, सरयू चैत्र के महीने में तुम में बाढ़ क्यों आ रही है? इस महीने में तुम्हें आप में जल क्यों भर गया है? माता सरयू ने उत्तर दिया, हम नदियों का जीवन है, चलते रहना चलते रहना। कहां जा रही हो चलते चलते? चलते चलते मैं अपने प्रियतम से मिलती हूं। मेरा प्रीतम समुद्र है। नदियों का प्रीतम कौन है?
समुद्र सरजू मैया गंगा जी का साथ करती हैं और गंगा जी बंगाल खाड़ी में जाकर के समुद्र जी से मिल लेते हैं। हम नदियों का जीवन ही है चलते रहना, अपने प्रियतम से मिलने के उतावलेपन में चलना है। हम चलते रहते हैं लेकिन आज उल्टा हो रहा है, इसलिए हम में बाढ़ आ रही है। आज उल्टा यह हो रहा है कि समुद्र आज स्वयं हमारे पास आ रहा है। समुद्र कभी नदी के पास जाता है? नहीं नहीं, समुद्र हमारे राम जी हैं। समुद्र हमारे राम जी हैं, हम सब राम जी से मिलना चाहते हैं। राम जी हमारे प्रियतम हैं, हम सब चाहते हैं मेरे राम जी मिल जाएं। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, आज सागर स्वयं नदी तक आया, आंखों में आंसू भर आया। ये तो मिलन की वेला होने वाली है, मेरा भगवान मुझ तक आने वाला है चैत्र के माह में, इसलिए जल का प्रवाह बढ़ गया है। ये सरजू है, तो सरजू तो आज भी है और राम जी के समय भी थी। अयोध्या की भूमि भी वही है, इधर इसलिए बताना पड़ रहा है कि अयोध्या को लेकर के बीच में कई विवाद आया, लॉकडाउन में बहुत चर्चाएं हुई। लेकिन जहां सरजू है अयोध्या, वहां है साहब। और राम कथा की सरजू क्या है इस यात्रा में हम बताएंगे, राम कथा में सरजू क्या है। आइए पहले वंदना करते हैं भाव मस्ती में। अयोध्या की भाव भूमि की, अयोध्या की भूमि की और सरजू की वंदना। गोस्वामी जी बोल रहे हैं अयोध्या क्या है। अयोध्या के रूप भी दो बताए गए, हमारे शरीर को भी अयोध्या कहा गया है। अष्ट चक्रा नौ द्वारा पुरी नाम अयोध्या तस्मिन हिरण्यमया कोसा, ऋग्वेद में कहा ऋषि ने, हमारी शरीर भी अयोध्या है। और मैं, हमारे एक मित्र हैं, वो कहते हैं अयोध्या जैसी अपनी शरीर बना लो तो राम जी आकर के इसमें अवतार ले लेंगे। इसलिए बंदव अवध पुरी अति पावनी, 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 सरजू सरी कली सावनी, सरजू सरी कली कलश न सावनी, प्रणव पुरे नर नारी बहोरी, प्रणव पुरे नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न तोरी, ममता जिन पर ममता जी ने भरे प्रभु ही न तोरी। अयोध्या की वंदना, माता सरजू की वंदना, अयोध्या वासियों की वंदना। बंदव पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। अयोध्या के नर नारियों पर भगवान की अगाध ममता है। बाल कांड में हम ममता का संकेत करते हैं गोस्वामी जी, और उत्तर कांड में बता देते हैं, भगवान मुखरित होकर कह देते हैं, अति मोहि प्रिय यहाँ के वासी, मम धाम दा पुरी सुखरास, मुझे यहाँ के वासी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। हाँ, बहुत प्यारे भगवान कि अयोध्या का की वंदना हुई। अभी भगवान की नहीं हो रही, भगवान की तो हर चौपाई में वंदना है। स्वामी जी की कुछ चौपाइयां छोड़कर हर चौपाई में रकार और मकार आएगा, रा और मा आएगा, हर चौपाई में राम जी की ही वंदना है। एक ऐसा भक्त मध्यकालीन परंपरा के गोस्वामी जी हमारे हैं, ऐसे भक्त हैं, उनके श्वास के उच्छ्वास के प्रत्येक
परमाणुओं में राम राम है। राम राम है। अयोध्या की वंदना के बाद अयोध्या के पुरजनों की वंदना किया, अयोध्या वासियों की वंदना किया, उसके बाद महाराजा की वंदना किया। महाराजा कौन? चक्रवर्ती महाराज, महाराजा दशरथ की वंदना। बंदव अवध भुवाल सत्य प्रेम जही राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रियतन त्रिन इव परिहर्यो। ऐसे महाराजा की वंदना है जो सत्य प्रेमी है। देखिये महाराजा को यहां सत्य प्रेमी गोस्वामी जी ने कहा, शब्दों पर ध्यान देना, एक एक शब्द मानस का कोई हिला नहीं सकता है। उस शब्द में एक बिंदी भी अगर आपने गड़बड़ किया तो अर्थ बदल जाएगा। महाराजा कौन है? सत्य प्रेमी है। प्रमाण क्या है? राम जी थोड़ी देर के लिए दूर चले गए तो प्राण छूट गया। इससे बड़ा सत्य प्रेमी का उदाहरण क्या हो सकता है? प्रेमी है हम आपके, प्रेमी है हम आपके, कह देना सरल है, लेकिन प्रेमी प्रेमी से दूर हो जाए और थोड़ी दूर चला गया प्राण छूट जाए, ऐसा प्रेमी मिलेगा नहीं। प्राण देना अलग की बात है, छूटना अलग की बात है, टूटना अलग की बात है साहब। त्याग कई प्रकार का होता है, जबरदस्ती त्याग करना अलग का विषय है और त्याग हो जाना अलग का विषय है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण इसी को त्याग हो जाने को कहते हैं, इसी का नाम श्रीमद् भगवत गीता में निग्रह कहा गया है। इंद्रियों का दमन करना अलग का विषय है, इंद्रियों को रोकना अलग का विषय है, इंद्रियों का रुक जाना अलग का विषय है। मिठाई खाने के लिए अपने इंद्री को दबा लेना यह अलग का विषय है, दबाना उसका दमन करना, या किसी परिस्थिति बस मिठाई ना खाया जाए, परिस्थिति जन्य है, उसे त्याग नहीं कहा जाएगा। छूट जाना, छुड़ा लेना, छोड़ना, और साहब अपने आप हो जाना, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। भगवान से किसी ने पूछा, प्रभु आप कहते हैं सब कुछ मैं करता हूं, तो पापी लोग खड़े हो गए, प्रभु जो पाप हो रहा मुझसे वो भी तो आप करते होंगे। तो भगवान ने कहा, हाँ ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन क्या मुझ में अनन्य शरणागति तुम्हारी है? जब तक अनन्य शरणागति तुम्हारी हम में नहीं होगी, तब तक आप उस काम को कर रहे हैं, तो मेरा नहीं है। अर्जुन जैसे बन जाओगे, जब अनन्य शरणागति हो जाएगी, तब मैं गीता में कह रहा हूं अर्जुन जो कुछ करता मैं करता हूं। अर्जुन जैसी शरणागति है क्या तुम में? नहीं है ना। अनन्य शरणागति, अनन्यतम शरणागति और अन्य शरणागति। शरणागति के तीन प्रकार हैं, अन्य शरणागति, अनन्य शरणागति और अन्यतम शरणागति। जो अन्यतम शरणागति में हो जाता है साहब, वो मेरा हो जाता है, हमारा और तुम्हारे का भेद समाप्त हो जाता है, राधा और कृष्ण का भेद समाप्त हो गया, क्योंकि वहां अन्यतम शरणागति। तो जीव और ब्रह्म का भेद समाप्त हो जाता है। ये सत्य प्रेमी है महाराजा दशरथ। बिछुरत दीन दयाल प्रियतन त्रिनयो परिहर्यो। अपना प्रिय शरीर छोड़ दिया। कैसे छोड़ा? तिनके के समान, जैसे तिनके को लोग छोड़ देते हैं। उसके अच्छा वंदना चल रही है अयोध्या की ना, इसी बीच में जनक जी की वंदना कर दिया। अब पूछो अयोध्या की सारी वंदना हो जाती, भरत भैया की, लखन भैया की, राम जी की, सीता माता की, सबकी वंदना हो जाती है, तब जनक जी को करना चाहिए? नहीं नहीं, सत्य प्रेमी की वंदना कर लिया पहले, उसके बाद जनक जी कौन है? जनक जी कौन है? बंधवपुर जन सहित विदेहो प्रणव परिजन सहित विदेहो प्रणव परिजन सहित विदेहो
केव कोई राम बिनो गत प्रकट अवसोई राम बिनो गत प्रकट अवसोई राम बिनो गत प्रकट अवसोई। अब सत्य प्रेमी को हम सब जान गए, अब जनक जी कौन है? जनक जी हैं गूढ़ स्नेही। अंतर देखिए, गोस्वामी जी उत्तर दे रहे हैं, सत्य प्रेमी महाराजा दशरथ और जनक जी गूढ़ स्नेही। ये बात बड़ी गूढ़ है, गूढ़ माने रहस्यमय स्नेही है, ऐसा स्नेह करते हैं भगवान से, बड़ा रहस्यमय। कैसा रहस्यमय स्नेह है? जोग और भोग के मध्य में जो स्नेह को छुपाए हुए थे वो राम जी को देखते ही प्रकट कर दिया। जनक जी जोगी भी हैं और राजभोगी हैं, राजसत्ता है, इसलिए मुझे कोई जोगी ही न समझे, राजयोगी नहीं हूं मैं, राजभोगी हूं। जनक जी स्वयं कहते हैं जोग जोगी हूं, भोग मह राख्यव गोई, गोई छुपा करके राम बिलोकत प्रकट्य वसोई। राम जी को देखते ही गूढ़ स्नेह प्रकट कर दिया राम। ये गूढ़ स्नेह क्या है? यही तो गोस्वामी जी की शैली है, ये गूढ़ स्नेह बहुत कुछ है साहब, एक दो नहीं है। विवाह प्रकरण में चलेंगे तब सुनाएंगे, वहां आज मुझे लंबी यात्रा करनी है। वंदना किया जनक जी की, उसके बाद भरत भैया की वंदना, भरत भैया की वंदना आई। भरत कौन है? बंदव प्रथम भरत के चरणा, बंदव प्रथम भरत के चरणा, बंदव प्रथम भरत के चरणा, बंदव प्रथम भगत के चरणा, जासुने व्रत जाई न भरना, जासुने व्रत जाई न भरना, बंदव लक्ष्मण पद जल जाता, बंदव लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभ भगत सुख दाता, शीतल सुभ भगत सुख दाता, शीतल सुभ भगत सुख दाता। भरत भैया के चरण की वंदना, लक्ष्मण जी की वंदना। लक्ष्मण कैसे हैं? शीतल है, कभी लक्ष्मण को गलत मत कहना, स्वामी जी कह रहे हैं शीतल है, लक्ष्मण जी बड़े शीतल हैं। लक्ष्मण जी का चरित्र कभी हो तब सुना जाए, लक्ष्मण कितने शीतल हैं। उसके बाद रिपशूदन की वंदना आई है, रिपशूदन पद कमल नमामी, सूर सुशील भरत अनुगामी। शत्रुघ्न जी की वंदना, और वंदना करते करते गोस्वामी जी और बढ़े। वंदना के बाद चलो हम चलते हैं इस समय प्रयाग की भूमि में। प्रयाग का अर्थ होता है प्रगतः यागम भवति प्रयागः, जहां पर सबसे पहले कभी यज्ञ हुआ है। धरती पर जब यज्ञ आया तो प्रथम यज्ञ प्रयाग की भूमि में हुआ, इसलिए उसका नाम हुआ प्रयाग। प्रयाग में त्रिवेणी है, गंगा यमुना सरस्वती है। गंगा भक्ति माता हैं, यमुना कलिकाल के कालुष्य को हरने वाली हैं, इसीलिए वो कालिमा लिए हुए हैं। विद निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंद निवरणी। कर्म है यमुना, कर्म है गंगा को क्या कहा गया? गंगा कौन है? सुन भी रहे हैं, बताया करो थोड़ा। गंगा भक्ति है, यमुना कर्म है, सरस्वती ब्रह्म विचार है, चिंतन है। भक्ति हो, कर्म हो और चिंतन हो तो जीवन त्रिवेणी में हो जाएगा, जीवन ही त्रिवेणी हो जाएगा, तीनों होना अनिवार्य है।
और वहां क्या है, बट का विशाल वृक्ष है, बट विश्वास का प्रतीक है, अपने भगवान पर विश्वास। त्रिवेणी तो समझ गए, भक्ति कर्म और चिंतन की जो धारा है उसे त्रिवेणी कहते हैं, विश्वास को बरगद का वृक्ष कहते हैं, अक्षय वट कहते हैं। और वहीं पर बेणी माधव भगवान है, प्रयाग की भूमि में भारद्वाज जी का आश्रम है। भारद्वाज जी हमारे ऋषि हैं, उनका आश्रम है, जहां पर आकर के श्रम शांत हो जाए, श्रम क्लांत हो जाए, स्लथता समाप्त हो जाए, यानी थकान दूर हो जाए, जहां पहुंच करके कोई थकान न रह जाए उसको आश्रम कहते हैं। और जहां पर पहुंच करके मन में ग्लानि भर जाए, मन में कुभाव भर जाए, तो आश्रम नहीं होता। देखिए, एक हमारा शिष्य आश्रम बना रहा था, हमने फोन किया, क्या कर रहे हो? महाराज जी आश्रम बना रहे हैं, गुरुजी इसमें आश्रम बना रहे हैं। हमने कहा, क्या तुम्हारे पास आश्रम नहीं है? आश्रम तो नहीं था। हमने कहा, तुम्हें पता नहीं है, तुमको आश्रम मिल चुका है। कौन सा आश्रम? तुमको तो तुम्हारे माता पिता ने गृहस्थ आश्रम दिया है। दिया है नहीं दिया? गृहस्थ आश्रम आपको मिला हुआ है। आश्रम माने जहां पर आकर के शांति मिले, घर आकर जहां शांति मिल जाए, घर में बैठने पर समझो आश्रम है। और जहां पर बैठ करके उद्वेग मिले, व्याकुलता बढ़े, वो कैसा गृहस्थ आश्रम? इसलिए घर का ऐसा परिवेश बनाओ, ऐसा माहौल बनाओ जहां पर पहुंचकर शांति मिले। तुम्हारा आश्रम मिला हुआ है, व्यर्थ के आश्रम मत बनाओ। जितने आश्रम बने हैं उनको बने रहने दो, उनको संवार लो, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जरा आश्रम अपना गृहस्थी वाला संवार लो जो बना हुआ है। हमारे देश में तो आश्रम ही आश्रम है, गृहस्थ आश्रम, विद्यार्थी पढ़ने जाता विद्यालय में ब्रह्मचर्य आश्रम, थोड़ा सा हमारी उम्र में आओगे तो वानप्रस्थ आश्रम, जहां भी भगवान कथा हो रही है सुनने चलना है, जहां भी हो रही जाना है वहां वानप्रस्थ है। निरंतर इस आश्रम में बड़ी समस्या होती है, ये 50 से 75 वाला आश्रम कठिन होता है, सबसे कठिन है। अगर ब्रह्मचर्य आश्रम को ठीक से नहीं संभाला तो गृहस्थ आश्रम बिगड़ेगा, और गृहस्थ आश्रम को ठीक से नहीं संभाला तो वानप्रस्थ बिगड़ेगा, और वानप्रस्थ को ठीक से नहीं संभाला तो संन्यास बिगड़ गया। इसलिए हर क्षण सावधानी की आवश्यकता है। प्रयाग में भारद्वाज जी का आश्रम है, और वहां जनक जी के गुरु जी का नाम है जागवलिक। संस्कृत में याज्ञवल्क शब्द है, यज्ञ वल्क्य, जो यज्ञ के अद्भुत विद्वान है, परम विद्वान है, यज्ञ के विषय में जो योग्य है। अब यहां जो यज्ञ चल रही है, कल बताया था संध्या में, 5 प्रकार का यज्ञ होता है। पहला है ब्रह्म यज्ञ, पहला है ब्रह्म यज्ञ। विद्यार्थी जब अध्ययन करता है, देखो अक्षरों से जुड़ता है, अध्ययन का काल जो है वो ब्रह्म यज्ञ का काल है, ध्यान की क्रिया ब्रह्म यज्ञ है, जप यज्ञ ब्रह्म यज्ञ है। इसलिए ब्रह्म यज्ञ करो। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है हमारे अध्ययन का काल, पढ़ना लिखना, ध्यान क्रिया में जाना, जप कार्य करना, पूजा पाठ, ब्रह्म यज्ञ। उसके बाद देव यज्ञ है। देव यज्ञ क्या है? अपने कुल देवता, ग्राम देवता, प्रधान देवता, इष्ट देवता, इनके लिए जब हम आहुतियां प्रदान करें, देव यज्ञ है। फिर पितृ यज्ञ है, पितरों के निमित्त जो कार्य करें हम, पितृ यज्ञ है। हमारा मनुष्य यज्ञ तक की यात्रा है, और इन यज्ञों में भी यज्ञ है, बलि वैश्याद यज्ञ है,
देव यज्ञ में बलि वैश्य हम जब भोजन करते हैं पंच कवल करके सीताराम के नाम की आहुति डालने शरीर में, वो भी यज्ञ है। पांच कवल तो कम से कम भगवान नाम से डालो शरीर में, यहां भी जठराग्नि प्रज्वलित है उसी अग्नि में डाल दो। भगवान की ही वस्तु भगवान को समर्पित करने में क्या जा रहा है, हमारा आपका क्या लग रहा है, इसलिए ये भी यज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ। भूत यज्ञ, भूत माने होता है प्राणी, भूत माने प्रेत नहीं होता है, भूत माने प्राणी। पंच प्रकार की भूत यज्ञ है, गौ माता को ग्रास देना, चीटियों के लिए कुछ आटा डाल देना, कुत्तों को देना, काग बलि देना, कौवे के लिए निकालना, ये पंच बलि जो है इसको भूत यज्ञ कहा गया है। ये भूत यज्ञ है। और फिर मनुष्य यज्ञ है जो अन्य क्षेत्र चल रहा है राम नाम जागरण मंच का, ये मनुष्य यज्ञ है, यज्ञ है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कथा में सारे यज्ञ संपन्न होते हैं, इसलिए कथा का जो पुण्य लाभ मिलता है साहब, कथा का जो आयोजक संयोजक प्रायोजक श्रम करके भगवान की कथा की व्यवस्था जो करता है साहब, समझिए जितने लोग कथा सुन के पुण्य प्राप्त करते हैं उन लोगों के लिए मानो कुंभ लगा दिया हो उसने, हाँ, एक नया तीर्थ बन जाता है वहां। ये क्षेत्र आपका 11 दिवसीय तीर्थ बन गया है, एक कुंभ बना है, इतना विशाल कुंभ है कि इसमें से पुण्य के कितने भी बाल्टी जल निकाल लो आप, जिस भाव से कथा सुनना चाहो उतने बाल्टी जल निकाल लो। ऐसे प्रयाग की भूमि में याज्ञवल्क महाराज गए हैं, यज्ञों के जो वल्की हैं, योग्य हैं, यज्ञ के विषय में बहुत परम योगी कहा जाएगा उनसे, योग्य यज्ञ के विषय में उनसे अधिक जानकार कोई नहीं, योग्य कोई नहीं। जागबली जी शिष्यों सबके साथ गए हैं, कब गए हैं, माघ के महीने में गए हैं। माघ के महीने में कब गए, जब सूर्य संक्रमण करता है मकर राशि में। सूर्य भगवान हमारे 12 महीने में 12 राशियों में जाते हैं, एक महीने एक राशि पर रहते हैं। जब मकर में प्रवेश करते हैं, अब ये मीन में चल रहे हैं, मीन राशि में चल रहे हैं, 14 तारीख को भगवान सूर्य मेख राशि में जाएंगे, तब हम लोग सत्तू संक्रांति करेंगे, सत्तू खाएंगे ना, 14 को पहुंच जाएंगे। अब मीन राशि में सूर्य भगवान गमन कर रहे हैं, ऐसे भगवान जब मकर राशि में जाते हैं माघ के महीने में, तो गंगा का पहला पर्व लगता है प्रयाग में। मकर में पहुंचे भगवान सूर्य प्रयाग में, खिचड़ी का पर्व आया पूरे धरती पर। कैसा पर्व आया, मकर राशि में सूर्य आते कौन सा पर्व आता है, खिचड़ी। अब खिचड़ी ही क्यों खाया जाता उस दिन बताओ, सनातन धर्मावलंबी मेरे भाई बंधु, सनातन में सब आते हैं, आत्मा जिसके पास है वह सब सनात हैं, जो जीवंत हैं उनको सनात कहा गया है, जीवित होने का प्रमाण ही सनातन है। खिचड़ी क्यों खाते हैं, यही अंतर राम कथा में आपको राम नाम जागरण मंच पर मिलेगा, हर विषय का एक उद्घाटन मिलेगा कि हम क्यों करते हैं, कैसे होना चाहिए। वही दाल और वही चावल अलग अलग पका लो स्वाद बदल जाएगा, और दोनों एक में मिला के पका लो खिचड़ी बन जाए स्वाद बन जाएगा, दूसरा बदल जाए। क्यों खाते हैं, इसलिए खिचड़ी का प्रयोग होता है कि गंगा का मीठा जल, गंगा रूपी अमृत उसी दिन चल करके बंगाल की खाड़ी में अपने प्रियतम समुद्र से मिली थी, तो गंगा और समुद्र का मिलन हुआ। इस उपलक्ष में जहां भक्त और भगवंत का मिलन हो जाए, जहां अक्षत और दाल का मिलन हो जाए, एक साथ स्वाभाविक मिलन हो जाए। हम लोग जो दाल भात अलग मिला के खाते हैं ना,
वो तो स्वाभाविक नहीं है, मिलाना पड़ता है। हाथ से मिला रहे हैं कि चम्मच से मिला रहे हैं, कैसे मिला रहे हैं, कितना मिला रहे हैं, यह आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन जब बटलोई में, अब तो बटलोई नहीं चलती है तो प्रेशर वाला पात्र है, उसमें जब एक साथ मिल जाए तो उसका पकने के समय स्वाभाविक मिलन होता है। गंगा और समुद्र का जो स्वाभाविक मिलन है उसी दिन होता है, इसीलिए हम खिचड़ी खाते हैं। हाँ, खिचड़ी खाते हैं। उसी दिन जागबलिक जी प्रयाग गए हैं, स्नान किया गंगा में और स्नान करके जैसे निकले भारद्वाज जी चरणों में गिर गए, आश्रम पर ले गए, आश्रम पर ले गए। आश्रम पर क्यों ले गए उसका तो गोस्वामी जी आगे बता रहे हैं। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज रखे पद देखी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज रखे पद देखी, जाग बलिक सादर चरण सरोज पखारे, सादर चरण सरोज पखारे, जरा अति पुनीत आसन बैठारे, अति पुनीत आसन बैठारे, करी पूजा मुनि सुजस बखानी, करी पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुवाणी, नात एक सन से बड़ मोरे, नात जी ले गए अपने आश्रम पर और बड़े आदर पूर्वक चरण पखारा, पवित्र आसन पर बैठाया और बड़े मीठी वाणी में बोले नीचे बैठ करके। ये श्री राम कथा की प्रथम व्यासपीठ है और राम कथा रामचरित मानस के प्रेमी गण बैठे हो तो ये सब जानते हैं कि चार जगह राम कथा की व्यासपीठ बनी विशेष रूप से। वैसे व्यासपीठ तो कई है राम कथा की, मानस में इतनी व्यासपीठ बनी है राम कथा की कि गणना नहीं है, बहुत जगह व्यासपीठ बनी है। लंका में हनुमान जी बना के बैठ गए अशोक वृक्ष पर ही बैठ गए, सीता माता को राम कथा सुना दिया, रामचंद्र गुण वर्णन लागा, जगह जगह आपको व्यासपीठ मिलेगी। नारद जी की भी व्यासपीठ है, भगवान शिव को काम की कथा सुना दी है, राम जी की नहीं कामदेव की कथा सुना दी है, नारद जी भी तो कथावाचा है, नारद जी की व्यासपीठ बहुत विचित्र है, बहुत अच्छी व्यासपीठ। अरण्यकांड में राम जी के साथ जो संवाद है तो नारद जी की व्यासपीठ वहां है, वहां राम कथा चलती है, वहां भक्त की कथा चली है, बहुत व्यासपीठ है। लेकिन चार व्यासपीठ प्रमुख रूप से मानस में आई है। पहली व्यासपीठ है जागबलिक जी की, मेरे भाई बहन, दूसरी भगवान शिव की है और तीसरी भुशुंडी जी की है, काग भुशुंडी जी की व्यासपीठ, और चौथी गोस्वामी तुलसीदास जी की है। और चारों व्यासपीठों का नाम है, जागबलिक जी की व्यासपीठ कर्मपीठ है, भोलेनाथ की व्यासपीठ ज्ञानपीठ है,
हुसैनी जी की भक्ति पीठ है और गोस्वामी जी का वैराग्य पीठ है, चारों है ना। जागबलिक जी ने कथा को विश्राम नहीं दिया, भोलेनाथ ने विश्राम दे दिया व्यासपीठ की, कथा संपन्न हो गई। भुसुंडी जी ने कथा को विश्राम दे दिया, व्यासपीठ संपन्न हुई, कथा संपन्न। गोस्वामी जी ने भी मन को सुनाया कथा, मन को अपने श्रोता बनाया और सुनाया और विश्राम दिया। जागबलिक जी ने विश्राम नहीं दिया और जो आज व्यासपीठ कलिकाल में हम लोग व्यासपीठ को प्रणाम करते हैं, हमारी अभिवादित है, हम लोग अभिवादन करते हैं, वो जागबलिक जी की व्यासपीठ है। ये उनकी कृपा है जिसके कारण आज राम कथा की व्यासपीठ बनती है, नहीं तो व्यासपीठ न होती। व्यासपीठ सबने विश्राम दे दिया तो कथा की व्यासपीठ कहां बची थी। जागबलिक जी ने एक रास्ता छोड़ दिया कि कलिकाल के जीवों को भगवान से जोड़ने के लिए, भगवान के कथा को से जोड़ने के लिए कलिकाल के जीव जुड़ जाएं, इसलिए इस व्यासपीठ को बनी के बनी रहने दो और प्रयाग की भूमि में बना दिया। जागबलिक जी की व्यासपीठ ये उनकी कृपा है। आ गए भारद्वाज जी ने सादर चरण पखारा, नीचे बैठ गए और प्रश्न किया है, गुरुदेव हाँ मेरे अंदर कुछ संदेह है, कुछ संशय है, उत्तर दे दो। संशय से जन्म होता राम कथा का, संशय भी कैसी पूजनीय, ऐसा संदेह भी पूजनीय है जिससे राम कथा का जन्म हो जाए। एक बार मैं यात्रा में कहीं जा रहा था, पैदल यात्रा थी, एक भद्र पुरुष ने पूछा दौड़ करके, कहा महाराज जी एक बात, बहुत दिन पहले की बात है, 15-20 वर्ष हो गया, महाराज जी एक बात बताओ कि मंदोदरी ने कैसे जान लिया कि लक्ष्मण ने रेखा खींची थी। विषय तो बड़ा अच्छा लगा, मंदोदरी कोई पति ये तो नहीं बताएगा कि मैं हार के आ रहा हूं, चाहे बेचारा कितना भी कूट गया हो लेकिन बताएगा नहीं कि मैं कूट गया हूं, कहेगा चोट लग गई, पत्नी से तो कदाप नहीं बताएगा। रावण ने तो बताया ही नहीं कि लक्ष्मण ने रेखा खींची थी, मंदोदरी कैसे जान गई लंकाकांड में। गोस्वामी जी ने तक अरण्यकांड में नाम नहीं लिया है कि लक्ष्मण ने रेखा खींची थी, लंका कांड में नाम लिया है, मंदोदरी के मुखारविंद से कहलवाया है कि लक्ष्मण ने रेखा खींची थी, उसके पहले लक्ष्मण रेखा का कहीं नाम नहीं आया। तो मंदोदरी कैसे जान गई हमसे पूछा, तुमने कहा महोदय इसके लिए एक राम कथा करवा दो, उसी में इसी पर चर्चा होगी तब पता चले कुछ, आनंद आए। संदेह से राम कथा का जन्म हुआ साहब। कहां हो रहा है संदेह, त्रिवेणी घाट पर संदेह हो रहा है, अक्षय वट के उस पर क्षेत्र में संदेह हो रहा है जहां अक्षय वट है, विश्वास का बरगद लगा है। विश्वास क्या है, अरे साहब छाया विश्वास की ही अच्छी होती है। विद्यार्थी कल पढ़ने नहीं आया, गुरु जी पूछे क्यों नहीं आए कल, क्या बताता है, बाबा जी की तबीयत थोड़ा खराब हो गई थी, जबकि बाबा जी स्वस्थ हैं, बहाना लगा दिया ना, तो गुरु जी ने मारा नहीं उसे, छोड़ दिया, अच्छा ठीक है बाबा जी की तबीयत खराब थी, छोड़ दिया कि नहीं छोड़ा। तो झूठ बोला विद्यार्थी, लेकिन छाया किसकी ली, बाबा की। छाया किसकी लिया, बाबा की। बाबा झूठ बोल करके भी छाया ले लिया बाबा के स्वास्थ्य की, यही तो है, तो मारा पीटा नहीं गया। जब झूठ में भी अपने बड़े की छाया लेने से व्यक्ति बच जाता है, तो अपने भगवान की छाया लेने से हम सब सुरक्षित हैं, बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, इसलिए भगवान की छाया लेना अनिवार्य है। ठाकुर की छाया मिल जाए, हाँ आज भी तो ले रहे हैं लेकिन झूठ ले रहे हैं, कहीं देर हो जाए तो कहते पूजा में चले गए थे, मंदिर चले गए थे, झूठे। लेकिन मंदिर की छाया लिया, भगवान की छाया लिया, तो आज कलिकाल का जीव भी आपको कुछ नहीं बोलेगा। वैसे धृष्ट हो तो नहीं कह सकते हैं, और धृष्ट भी अगर मिलेंगे भाई बहन तो बुरा मत मानना, अपने ही समाज में मिलते हैं, दूसरे समाज में मिलने वाले नहीं है। एक बार राम नाम जागरण मंच की कथा चल रही थी,
एक अपने समाज वाले आए, कहा उधर वाला माई उतरवा दो। दूसरे समाज वाला आया, कहा नहीं महाराज जी मुझे कोई चिंता नहीं, आप करम कथा करिए। साहब दूसरे के शरीर की पीड़ा से अपने शरीर में पीड़ा नहीं होती है, अपनी ही शरीर पीड़ा पहुंचाती है, दूसरे के में साहस नहीं है जो पीड़ा पहुंचा दे। हाँ? अपने ही लोग पीड़ा देते हैं। भगवान शिव के विवाह का प्रयोजन भी यही है, अपने ही पीड़ा दे रहे हैं। ये कथा में बात आएगी। जागबलिक जी के सामने संशय प्रकट कर दिया। संशय क्या है? भारद्वाज जी तीन प्रकार का संशय लेकर बैठे हैं। पहला संदेह है कि जिस राम को भगवान शिव निरंतर जपते हैं, चार लोग केवल भगवान के विषय में कुछ जान सकते हैं, हम आप क्या जानेंगे। भीष्म पितामह ने बताया कि भगवान के विषय में थोड़ा थोड़ा चार लोग जानते हैं और कोई नहीं जानता। कौन कौन जानता है? पितामह ने कहा है भागवत में, थोड़ा सा मैं जानता हूं, थोड़ा सा मैं जानता हूं, और दूसरे भगवान शिव हैं, तीसरे देवर्षि नारद हैं, और चौथे भगवान कपिल हैं, जो भगवान के माया के विषय में थोड़ा सा जानते, बहुत अल्प, और उतना भी कोई नहीं जानता। पितामह आप क्यों जानते हैं? पितामह ने कहा इसलिए जानता हूं कि मैं वसु हूं, साप के कारण में मेरा जन्म हुआ है, मैं गंगा का बेटा हूं, इसलिए मां के कारण थोड़ा थोड़ा जानता हूं, गंगा पुत्र होने के नाते जानता हूं। भगवान शिव क्यों जानते हैं? भगवान की कुछ लीलाओं को पितामह ने बता दिया। भगवान शिव इसलिए जानते हैं, तुम पुनि राम राम दीन राती, तुम पुनि राम राम दीन राती, सादर जप हो अनंग अराती, सादर जप हो अनंग अराती, तुम पुनि राम राम दीन राती, तुम पुनि राम राम दीन राती, सादर जप हो अनंग अराती, सादर जप हो अनंग अराती। भगवान शिव निरंतर राम 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 जपते रहते हैं, इसलिए जान रहे हैं। देवर्षि नारद, देखिए मंत्र लोगों का अलग अलग हमारे यहां है। भगवान शिव का मंत्र राम राम है, हनुमान जी का मंत्र राम राम है, देवर्षि नारद का मंत्र क्या है? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण है, सनकाद ऋषि का तत्सम मंत्र है, हरि ओम तत्सत। मंत्र अलग अलग है साहब, लेकिन सारे मंत्र जाते वही हैं, समुद्र में ही सारी नदियां गिरती हैं, मिलना प्रियतम से ही है, तरीके पूजा के अलग हो सकते हैं। तुमने नैवेद्य पहले खिला दिया प्रभु को, बाद में स्नान करा दिया, और हमने पहले स्नान करा दिया, बाद में नैवेद्य खिलाया,
अंतर यही है, तरीका केवल बदला है और प्रभु हमारे प्रसन्न रहते हैं चाहे जो पहले करो। अतः कृपा सागर है। प्रश्न किया है कि जिनकी जिनके नाम का जप भगवान शिव निरंतर कर रहे हैं ये वही राम है? मुझे तो लगता है कि महाराजा दशरथ के बेटे हैं। पहला संदेह, आज भी आपको मिलेंगे लोग, मुझे मिलते हैं, कहते महाराज राम जी को तो मैं एक राजा का बेटा मात्र मानता हूं, एक मानव मानता हूं, भगवान आप लोगों ने बना दिया है। हम कहते ठीक कहते हो भैया, कुछ तो मानते हो, हम तो वो भी नहीं मान पा रहे हैं, मानने का प्रयास कर रहे हैं। आप तो बड़े कृपालु हो, आप भगवान को एक मनुष्य शरीरधारी ही मान लो तो भी तुम्हारे पूर्वज हो जाएंगे वो, और अगर तुम्हारे पूर्वज हैं तो अवश्य तुम्हारे पूजनीय हो गए, इसलिए पूजा तो करना पड़ेगा प्रभु। शरीरधारी ही मानो, भगवान मानो न मानो, तुमने भगवान क्यों मान लिया? हमने कहा 1200 किलोमीटर का एक ऐसा दिव्य पुल भगवान राम ने बनाया जिसको नासा के वैज्ञानिकों ने खोज निकाला। जल में पत्थर तैर रहे हैं, अरे तुम एक काम कर दो, तुम पत्थर तैराओ ना, तुम 1200 किलोमीटर का पुल ही बना दो समुद्र में, हम तुमको राम कह देंगे। हैं? एक गीद को गोद में लेकर के उसकी रक्त धारा बह रही हो, उस गीद को गोद में लेकर के उसको दुलारो और दुलाने के बाद उसका क्रिया कर्म करो, हम तुमको राम कहने को तैयार हैं। तुम कहां भूले हुए हो? हाँ, हम तो सब में राम देखते हैं, रमनते इति रामः, जो रमण कर रहा है वो राम है। भागवत में व्यास जी ने राम शब्द की बड़ी प्यारी व्याख्या दी, राम शब्द की बहुत व्याख्याएं भागवत में व्यास जी ने कहा है, रमयन सुहृदो गुणैः, जिसमें सारे गुण आकर के रमण करने लगे उसका नाम राम है। अब व्यास जी से अच्छी व्याख्या कौन दे सकता है? अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणैः, जिसमें सारे गुण आकर के रमण कर जाएं, राम है, आनंद का सागर है राम, सुख की राशि है राम। मैं कहता हूं तुम व्यक्ति भी न मानो, राम आचरण का विषय है, राम आचार विषय है, राम व्यवहार है, राम चिंतन है, राम आराधना है, राम साधना है, राम पूजा की विधि है। और जहां तक सकारात्मक चिंतन जाए राम वह है, और जहां तक धरती माता की धड़कन जाए राम वह है, जहां आकाश की विभुता चली जाए, प्रभुता जाए, विशालता जाए, वहां तक राम है। राम बिना कहां जीवन है? पिता के चरणों में प्रणाम करते हो, राम है। किसने बताया? राम जी ने बताया, माता पिता के चरणों में प्रणाम करो, गुरु के सामने पढ़ रहे हो वहां राम है। राम तो प्रत्येक जगह बैठे, जहां मेरे सत्कर्म होते हैं सब हर जगह राम जी विराजमान है। दुष्टों का दलन हो रहा हो राघवेंद्र खड़े हैं, कहां नहीं है? राममय है साहब सब। इसलिए मेरे भाई बहन, भारद्वाज जी कहते हैं ये वही राम है जो दशरथ के बेटे हैं, और जो पत्नी के लिए रोए हैं जंगल में, और पत्नी का जिसने हरण कर लिया उसको मार डाला, कि वही राम है। प्रभु स्वय राम की अपर क्वव, ये वही राम है। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा, नारी बिरहा दुख लहो वपारा, अभयव रोष रन रावण मारा, ये वही
कई राम है, दो पंक्ति की राम कथाएं है। प्रभु स्वय राम की अपर कव जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचारी। आप तो सर्वज्ञ हैं क्योंकि करगत वेद तत्व सब तोरे। जागबलिक जी की व्याख्या हो रही है, जागबलिक जी के हाथ में वेद के तत्व हैं। करगत वेद तत्व सब तोरे, और जागबलिक जी कौन है? जागबलिक मुनि परम विवेकी, परम विवेकवान है। इसलिए परम विवेकवान से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्न ऐसे पूछा जा रहा है, कहु विवेक विचार। अपने विवेक में विचार करके बताओ। विवेक क्या है? विवेक को हंस कहा गया है। हंस दूध के सामने दूध और पानी रखो, हंस दूध पी लेगा पानी छोड़ देगा। इसलिए माता सरस्वती का वाहन कौन है? हंस है। इसलिए वाहन हंस है। हंस इसलिए है क्योंकि हंस विवेक का प्रतीक है। और एक ब्रह्मा जी को ही देखोगे कि दोनों लोग एक ही सवारी करते हैं, हंस की, ब्रह्मा और ब्रह्माणी की एक ही सवारी हंस है। नारायण की सवारी तो दो है, हमारे माता जी की दूसरी सवारी छोटा सा हेलीकॉप्टर है, और भगवान का तो बड़ा वाला है, है नहीं? अब बताओ राम कौन है? संदेह जैसे किया, राम ये वही है दशरथ के बेटे जो पत्नी के लिए रोए हैं, जो रावण कुमार डाले हैं, ये वही राम है, यही मेरा संशय है। जागबलिक जी ने कहा यह तुम्हारा संशय ही नहीं है, ये तुम्हारा वाला नहीं है, ये संदेह आपका नहीं है, ये प्रश्न आपका नहीं है। भारद्वाज जी मेरा नहीं है तो किसका है? तो कह दिया ऐसे संशय कीन भवानी, ऐसे संशय कीन भवानी, ऐसे संशय कीन भवानी। महादेव तब कह बखानी, भजन सुने फिर कथा की ओर चलें, भाव मस्ती में गाएं। अर जपले सीताराम, सीताराम नाम की वंदना है, हम लोग गाएं मस्ती में, हमारे गायक गुणी लोग सुनाएंगे बढ़िया। जप के सीताराम बड़ा सुख पाएगा, मिले परम विश्राम बड़ा सुख पाएगा। जप के सीताराम बड़ा सुख पाएगा, गाइए सब गाइए, परम विश्राम बड़ा सुख पाएगा। जप के सीताराम बड़ा सुख पाएगा, मिले परम विश्राम बड़ा सुख पाएगा। रघुबर संसार के दाता, वही रघुबर संसार के दाता, वही पिता है वही है माता, वही पिता है वही है माता। श्री रघुबर संसार के दाता, श्री रघुबर संसार के दाता, वही पिता है वही है माता, वही पिता है वही है माता। चलो चलो
चले श्री धाम बड़ा सुख पाएगा, मिले परम विश्राम बड़ा सुख पाएगा। ये परम देता बड़ा सुख पाएगा, भजन सीतारा बड़ा सुख पाएगा। रघुबर से नेह लगाओ, सिया रघुबर से नेह लगाओ, कपट छोड़ कर शरण में आओ, कपट छोड़ कर शरण में आओ। सिया रघुबर से नेह लगाओ, सिया रघुबर से नेह लगाओ, कपट छोड़ कर शरण में आओ, कपट छोड़ कर शरण में आओ। जीवन हो अभिरा बड़ा सुख पाएगा, मिले परम विश्राम बड़ा सुख पाएगा। ये परम तारा बड़ा सुख पाएगा, ये परम तारा बड़ा सुख पाएगा। तन मन उन्हें समर्पित कर दे, तन मन उन्हें समर्पित कर दे, पाप पुण्य भी अर्पित कर दे, पाप पुण्य भी अर्पित कर दे। तन मन उन्हें समर्पित कर दे, तन मन उन्हें समर्पित कर दे, पाप पुण्य भी अर्पित कर दे, पाप पुण्य भी अर्पित कर दे। मिलेंगे सुख के धाम, मिलेंगे सुख के धाम बड़ा सुख पाएगा, मिले परम विश्राम बड़ा सुख पाएगा। ओ जप के सीताराम बड़ा सुख पाएगा, मिले परम विश्राम बड़ा सुख पाएगा। शरण है शरण में आए, संत शरण है शरण में आए, सिया राम गुण गाए सुनाए, सिया राम गुण गाए सुनाए। संत शरण है शरण में आए, संत शरण है शरण में आए, सिया राम गुण गाए सुनाए, सिया राम गुण गाए सुनाए। और श्री राघव प्राणा ध्यान,
राघव प्राणा धाम बड़ा सुख पाएगा, मिले परम विश्राम बड़ा सुख पाएगा, अपने सीता राम बड़ा सुख पाएगा, अपने सीता बड़ा सुख पाएगा, जप के सीता राम बड़ा सुख पाएगा, मिले परम विश्राम बड़ा सुख पाएगा, मिले सीता राम बड़ा सुख पाएगा, मिले परम विश्राम बड़ा सुख पाएगा, जप के सीता राम बड़ा सुख पाएगा, मिले परम विश्राम बड़ा सुख पाएगा, मिले परम विश्राम बड़ा सुख पाएगा, मिले परम विश्राम बड़ा सुख पाएगा। जाग मलिक जी ने कहा यही संदेह किया था सती ने, तब भोलेनाथ ने उनको कथा सुनाई, ऐसे ही संशय कीन भवानी महादेव तब कहा बखानी। भारद्वाज जी के मन में कथा सुनने की लालसा बढ़ गई कि मेरा संदेह सती ने किया, जो संदेह मेरे पास है वही सती का भी संदेह है, तो ये तो सुनने योग्य है। जिज्ञासा बढ़ी तो जागबलिक जी ने कहा एक बार त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ के मन में कथा सुनने की इच्छा हुई, कथा सुनने की इच्छा हुई तो भगवान भोलेनाथ कैलाश से उतर कर आ गए माता सती के साथ अगस्त मुनि के आश्रम में। मेरे भाई बहन थोड़ा धैर्य से सुनिए, भगवान भोलेनाथ कैलाश से उतर कर आते हैं समुद्र के किनारे बैठे हुए अगस्त जी के यहां, जो सनातन के आचार्य हैं भगवान भोलेनाथ, जिनसे सारी विद्याएं निकली हैं, भगवान शिव का त्रिशूल पूज्य है, भगवान शिव का डमरू पूज्य है, डमरू से शब्द ब्रह्म प्रकट हो गया, 14 सूत्र जो वर्णमाला के हैं कहां से आए, डमरू से आए, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौपंच वारम, आप पढ़े होंगे उद्धृत कामासन काद शुद्ध नेतद विमर्शे शिव सूत्र जालम, वर्ण आए डमरू से, त्रिशूल से, तीन प्रकार भगवान की जो माया का है शूल है दैहिक दैविक भौतिक ताप त्रिशूल से प्रकट हुए, भगवान शिव का हर अंग प्रत्यंग भगवान के सृष्टि में सहायक है, परम वैष्णव है शिव, ऐसे भगवान शिव कैलाश से उतरते हैं कथा सुनने और आते हैं समुद्र के किनारे बैठे अगस्त ऋषि के पास, क्योंकि अगस्त ने एक बार समुद्र पी लिया था इसलिए सुनने आए, जो समुद्र पी लेता है भगवान शिव से कथा सुनने आते हैं। क्या मतलब है हाँ? भगवान कौन है जिनकी कथा सुन रहे हम लोग, भगवान राघवेंद्र भी समुद्र हैं। आज प्रारंभ में हमने कहा राम जी हमारे समुद्र हैं, सरजू जी में जब बाढ़ आई कहा नहीं नदियां समुद्र से मिलती, राम जी कौन क्या है, गोस्वामी जी कहते हैं समुद्र हैं, राम सिंधु हो गए घन सजन धीरा और चंदन तरु हरि संत समीरा, राम जी सिंधु हैं और भगवान शिव कौन है, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा प्रगट न कहव मोर अपराधा, भगवान शिव कृपा सिंधु हैं, राम जी सिंधु हैं, दोनों सागर हैं, और कथा सुनने आ रहे किससे, जो सागर के तट पर बैठा है। अब शिव जी में राम जी में एक अंतर है, शंकर जी जो सागर हैं वो गहरे सागर है, गहरे सागर में लहर कम होती है, जल जहां ज्यादा गहरा होता है कम लहर होती है, शिव में लहर कम है, लहर शांत है, गहरे समुद्र है। राम जी कैसे समुद्र हैं,
राम जी ऐसे समुद्र हैं जिनसे वाष्पन होता है और बादल बनते हैं। देखिए दोनों समुद्र का अंतर है। राम जी ऐसे समुद्र हैं जिनसे बादल बनते हैं और जाकर घर घर में द्वार द्वार पर हर जगह बरसते हैं मीठा जल। राम जी वो सागर हैं क्योंकि बरसे ही राम सुजस बरबारी। बरसे ही राम सुजस बरबारी मधुर मनोहर मंगलकारी। बरसे ही राम सुजस बरबारी। बरसे ही राम सुजस बरबारी मधुर मनोहर मंगलकारी। मधुर मनोहर मंगलकारी। अब तो अंतर मिल गया ना। शंकर जी कौन समुद्र हैं? गहरे पानी से सीखा है हमने पानी की पर्देदारी। पानी इतना पर्दे में रहता है। पानी से सीखा है हमने पानी की पर्देदारी। ऊपर ऊपर हंसते रहना नीचे नीचे रो लेना। संसार में रोने की इच्छा हो तो चुपचाप कोने के खड़े होकर रो जाओ, नहीं दुनिया हंसेगी। दुनिया के सामने हंसते रहो क्योंकि रो दूसरे को रुलाओ मत, दूसरे को हंसाते रहो, अपने गम को पीते जाओ। वो शिव है। जहर पी लिया किसी से नहीं बोला साहब, विष पीकर भी राम कथा को प्रकट करता है शिव। ओ शिव गहरे समुद्र हैं। राम जैसे समुद्र हैं जो बादल बनकर बरसते हैं, नदियों का प्रवाह चलता है, हम लोग शीतल होते हैं। स्वामी जी सब बता के, ये प्रैक्टिकल है, ये प्रायोगिक है। और अगस्त जी ने समुद्र पी रखा है। कौन सा समुद्र पी रखा है? राम कथा रूपी सागर को अगस्त जी ने पी रखा है। राम कथात्मक सागर को पिया है। और जिसने राम कथा रूपी सागर को पिया है, भगवान शिव कैलाश से उतर कर उसके पास कथा सुनने आते हैं। सती के साथ पधारे, कथा हुई, कथा सुनकर चले। और जब कथा सुनकर भोलेनाथ चले, जिसकी कथा सुनकर चलो, मन में इच्छा कर रहे हे प्रभु अब आपकी कथा सुन के चल रहा हूं, अगर दर्शन भी हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए। लेकिन हम स्वार्थी जीव हो गए हैं। कलिकाली कलिकाली जीव स्वार्थी। भगवान अयोध्यानाथ आओ हमको अयोध्यानाथ वाले दर्शन दो। भोलेनाथ कहते हैं अयोध्या से मत बुलाओ भगवान को, अगर प्रेम किया है तो प्रेमी जहां भी हो साहब वहीं रहने दो, प्रेमी से काम नहीं लिया जाता है। जिससे प्रेम किया जाता है उससे काम की अभिलाषा नहीं की जाती है। अगर अभिलाषा करोगे तो प्रेम में खोट होगा। इसलिए कभी घर में भी अभिलाषा, जिससे प्रेम करो उससे बड़ी अभिलाषाएं मत करो, नहीं तो दुख आपको ही होगा। जितनी अभिलाषाएं जितनी इच्छाएं आप बना लेंगे वही इच्छा आपको दुख देगी। अगर एक गिलास जल पीने के लिए आप दूसरे पर निर्भर हो जाओगे, संजोग से किसी समय में वो व्यक्ति कहीं फंस गया और आपको एक गिलास जल नहीं दे पाया, तो आप के अंदर क्रोध का जन्म होगा और वो क्रोध दावानल बन करके परिवार को परेशान करेगा। इसलिए अभिलाषाएं नहीं, प्रेम करो तो हाथ बटाओ काम में। प्रेम करो तो काम में हाथ बटाओ प्रभु, ये सनातन का नियम है। मानस कह रहा है हाथ बटाओ। एक व्यक्ति पर पूरा भार मत डालो। भगवान शिव कहते हैं प्रभु आप अयोध्या से मत आइए, यहां इस जगह कभी आए हो फैजुल्ला नगर में, क्या फैजुल्लागंज नगर जो भी हो, यहां आए हो कभी सरकार? हाँ तो आए तो हम हैं, क्योंकि भगवान तो हमारे हर जगह घूम चुके हैं। राम जी और भगवान कृष्ण दोनों की लीला चारों ओर हो चुकी है, धरती का कोई कण बाकी नहीं जहां ना आए हो हैं? तो यहां आए हो जिस रूप में आए हो वैसे दर्शन दे दो, वैसे दर्शन दो प्रभु जैसे रूप में आए हो। आपको वहां से आना आना पड़े, यही दर्शन हो जाए। हृदय विचारत जात हर
और कही विधि दर्शन होए। दर्शन कैसे होगा, भगवान वही उसी रूप में प्रकट हो गए। जंगल से निकल रहे थे तो जंगल बिहारी सरकार आ गए, हमारे वन बिहारी सरकार आ गए। सीता की खोज कभी किए थे उस स्थान पर, दोनों भाई सीता को खोजते हुए जा रहे थे, वही स्वरूप दर्शन करा दिया भोलेनाथ को। और दर्शन कराया तो भोलेनाथ ने प्रणाम कर लिया, हे सच्चिदानंद आपको प्रणाम है। माता सती को संदेह हो गया, ये सच्चिदानंद है, इनमें सत तो है ही नहीं, सत कहां दिखाई दे रहा है। अगर सत होता तो इनको पता होता कि पत्नी का हरण रावण ने किया है, बेकार जंगल जंगल क्यों खोजते। इनमें चेतना तो है नहीं, चेतना भी नहीं है, क्यों, अगर चेतना होती तो लता पत्रों से पूछते नहीं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, वृक्षों को पकड़ पकड़ कर भेंट रहे हैं, तुमने सीता को देखा है, हे तोते तुमने देखा है, हे खंजन तुमने भगवान ने पशु पक्षियों सबसे पूछा सीता के बारे में, तुमने देखा है, ए कबूतर तुमने देखा है, कपोत से पूछ लिया, मछली से जाकर पूछने लगे, ए मछली ए मीन तुमने हमारी सीता को देखा है, तुम्हारी जैसी आंखें थी हमारी सीता की, हमारी वैदेही तो मीनाक्षी थी, देखा है, ए कोयल तुमने देखा है, सीता हमारी तुम्हारे जैसी बोलती थी, कोकिला प्रवीणा तुमने देखा है। अगर चेतना होती तो इस तरह से सीता के लिए न रोते, में चित है नहीं और रो रहे इसलिए आनंद भी नहीं है, ना सत है ना चित है ना आनंद है, तब भोलेनाथ क्यों सच्चिदानंद कह रहे हैं। माता सती को संदेह हो गया, भगवान भोलेनाथ ने कह दिया मैं बरगद वृक्ष के नीचे बैठ रहा हूं, जाओ परीक्षा ले लो। बरगद का वृक्ष माने विश्वास, अभी बताए बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्म। जिस समाज में सुकर्म हो जाए, अच्छे कर्म की व्यवस्था बन जाए, समझ जाओ तीर्थ राज बन गया है, प्रयाग हो गया। जैसे ये यहां पर सुकर्म, भगवान राम कथा जो है सुकर्म है और सब लोग चाह रहे हैं, इसलिए तीर्थराज प्रयाग की भूमि बन जाती है, यही कुंभ हो जाता है। भगवान शिव बैठे रहे, माता सती गई परीक्षा लिया, परीक्षा में सती असफल हो गई, असफल होकर के आई भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ ने कहा परीक्षा लिया, हां लिया, कोई परीक्षा नहीं लिया, झूठ भी बोल गई। भगवान शिव ने त्याग कर दिया कि तुमने सीता का वेश बनाया है, हमारे आराध्य, देखिए हमारे देश की, भगवान जन्म के दिन आपको और बढ़िया बताएंगे, वहां क्या परंपरा है साहब। सती ने सीता का वेश कर लिया, शिव ने मन से छोड़ दिया, अभी शरीर से भेंट नहीं हो सकती, यही तन सती भेंट मोहिना ही, शिव संकल्प कीन मन माही। भगवान शिव ने संकल्प कर लिया, देवताओं ने धन्य धन्य कह दिया, ऐसा प्रण कोई कर नहीं सकता। सती माता बार बार पूछने लगी क्या प्रण किया, कहो कवन पन कीन कृपाना, आपने कौन सा प्रण कर लिया है। भोलेनाथ ने बताया नहीं, देवी चलो कैलाश की ओर चलो, कैलाश की ओर चलने लगे। सती माता बार बार पूछती हैं, भोलेनाथ कुछ तो बता दो कौन सा प्रण कर लिया, देवता लोग कह रहे थे। भोलेनाथ उनको कथा सुनाने लगे, कथा नहीं इतिहास सुनाया। देखिए इतिहास में और कथा में थोड़ा सा अंतर है, पुराण में इतिहास में अंतर, ये रामचरितमानस को तो इतिहास भी कहा गया है, माता पार्वती ने इसे इतिहास कहा, कहो भोलेनाथ ने भी कह दिया इतिहास, कहो परम पुनीत इतिहास। इतिहास माने इतिहास, तीन शब्द से बना है, इति माने समाप्त, हा माने प्रसिद्ध है, आस माने हुआ था, ऐसा हुआ था प्रसिद्ध है। भूतकाल की घटना को इतिहास कहते हैं, तो घटना तो इसमें भूतकाल की है, लेकिन इतिहास और कथा में अंतर एक है। इतिहास के महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है,
मनाई जाती है इधर तमाम महापुरुष की जयंती हुई उस दिन उनका चित्र रख देंगे, उनको माला एक पुष्पमाला पहना देंगे और कुछ कर लेंगे, जो भी हो गोष्ठी कर लेंगे, कुछ चिंतन कर लेंगे, कविता सुन लेंगे, कोई कार्य कर लेंगे। इतिहास के महापुरुष की जयंती मनाई जाती है और पुराण पुरुष का जन्म मनाया जाता है, अंतर यही है। भगवान राम का सीधे सीधे जन्म मनाया जाता है, भगवान कृष्ण का जन्म मनाया जाता है और इतिहास पुरुष का जन्म नहीं जयंती मनाई जाती है। दोनों मंत्र क्या है, जिसका जन्म मनाया जाएगा उसकी लीला होगी, इसलिए कथा जीवंत हो जाएगी, कथा में प्राण तत्व आ जाएगा। इतिहास में प्राण तत्व की कमी होती है और कथा में प्राण तत्व की पूर्णता होती है, यही अंतर होता है। इसीलिए एक दिन पुराना अखबार हम नहीं पढ़ते हैं और लाखों वर्ष पहले बीती हुई कथा को आज भी चाव से सुनते हैं, अंतर यही है। अब तो समझ गए पुराण इतिहास का अंतर, पुराण नवम करोति पुराणम, कथा है। इतिहास सुनाया, वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा, वहां पहुंचे 87,000 वर्ष तक समाधि लगा लिया, माता सती प्रतीक्षा करती रही, समाधि खुली तो देवतागण आ गए, प्रभु आपकी ससुराल में महाराज दक्ष के यहाँ यज्ञ है, आप नहीं चलोगे? भोलेनाथ ने कहा निमंत्रण कार्ड नहीं आया है, निमंत्रण पत्र ना आने के कारण हम नहीं जा सकते। सती माता ने कहा नहीं प्रभु चलना चाहिए, हठ किया और पिता के यहाँ यज्ञ में गई, पिता के यज्ञ में गई, वहां अपमान हुआ। अपमान होने के कारण माता सती ने शरीर छोड़ दिया। माता सती 4 प्रकार की अग्नि में जल गई, पहले परित्याग की अग्नि में जली, भगवान शिव ने छोड़ दिया ना, पति परित्याग हृदय दुख भारी, पति के परित्याग की अग्नि में जली। 87,000 वर्ष भगवान शिव समाधि में चले गए तो 87,000 वर्ष प्रतीक्षा की अग्नि में जली, कब इनकी समाधि पूर्ण हो और मुझसे कुछ वार्ता करें। महाराज दक्ष महाराज के यहां गई तो अपमान की अग्नि में जल गई और बाद में योग की अग्नि में जली, 4 प्रकार की अग्नि में जली। लेकिन जब प्राण कंठ में आ गए, शरीर छोड़ते समय प्राण कंठ में आए तो हमारे भगवान आ गए, अपना सुंदर सौंदर्य छलकाते हुए, दिव्य सौंदर्य छलकाते हुए हमारे नीलमणि घनश्याम स्वरूप भगवान सरकार पधार गए। कहा सती क्या चाहती हो? सती ने वर मांग लिया। आहा क्या मांगा, वर मांगा सती ने, बड़ा प्यारा वर मांगा, ऐसा कोई नहीं मांगेगा। लेकिन सती माता मांग रही है, परम सती है, इसीलिए तो इनका नाम सती है। सती मरत हरिसन वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, कारण हिम गिर गृह जाई, तेरे कारण हिम गिर गृह जाई, जन्मे पार पति तन पाई, तेरे कारण हिम गिर गृह जाई, जन्मे पार पति तन पाई, तेरे कारण। शरीर छूटते समय सती माता ने वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म हमें शिव मिल जाए, उनके चरणों में मेरा अनुराग बढ़ जाए, बढ़ा रहे अनुराग, ये वर मांगा।
भगवान ने वर दिया और इसी कारण वो हिमांचल महाराज के यहां इनका जन्म हुआ, हिमालय महाराज के यहां जन्म हुआ। नाम पड़ा पार्वती। हिमालय महाराज की तीन बेटियों का संबंध भगवान शिव के साथ है। अब थोड़ा मन में उहापोह हो गया होगा, तीन बेटी का कैसे संबंध है? यही तो भगवान की कथा दिव्य है। तीन बेटियों का संबंध है। वाम भाग में पार्वती हैं, हिमालय की पुत्री हैं, सिर पर गंगा है, हिमपुत्री है, और गोद में भगवान शिव के हिमालय की औषधियां हैं, महामृत्युंजय देवता है। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम्य स्योर शिव्यालराट। माता पार्वती का स्वरूप आया, उनका जन्म हुआ, थोड़ा बड़ी हुई। एक दिन देवर्षि नारद आए, इधर भगवान शिव समाधिस्थ हो गए, समाधि में चले गए। देवर्षि नारद आए, हिमांचल महाराज और मैना माता दोनों दौड़े गए, हमारे बेटी की हस्तरेखा देखो, बेटी हस्तरेखा देखो, देवर्षि कुछ बताओ। देवर्षि ने बता दिया, आपकी बेटी परम सुलक्षणा है, इसका नाम लेकर के नारियां पतिव्रत धर्म करेंगी, बहुत अच्छी बेटी है, दो चार अवगुण हैं, सारे गुण हैं लेकिन दो चार अवगुण हैं। तो जैसे अवगुण को हो व्यक्ति पूछता है, महाराज पहले वही बताओ कैसे निपट पाऊंगा उस अवगुण से। देवर्षि नारद ने कहा, अवगुण इतना है कि बेटी का विवाह जिसके साथ होगा वो सन्यासी होगा, जटी होगा, मुंडमाल पहनेगा, नंगा घूमेगा। जोगी जटिल अकाम मन, बेस डालो हल्का सा, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहां मिली, परिहस्त अस रेख। ऐसा पति मिलेगा, नग्न होगा, जोगी होगा, अकामी होगा, नंगा रहेगा, अमंगल वेशधारी होगा। अब बताओ, इतना अवगुण बता दिया कि बिटिया का जो दूल्हा होगा ऐसा होगा, अब कौन अपने बेटी का विवाह करना चाहेगा ऐसे वर के साथ? पति पत्नी ने चरण पकड़ ले, महाराज ये तो ठीक नहीं है, कोई उपाय बताओ क्या करें, कोई उपाय तो होगा। नारद जी सोचने लगे, क्या उपाय है? कहा, मेरे विचार में एक बात आ रही है कि जिस प्रकार का वर मैंने बताया है ये भगवान भोलेनाथ हैं, और तो वर दुनिया में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ये सारे अवगुण जब भोलेनाथ के पास जाते हैं तो ये गुण हो जाते हैं। देखिए, अवगुण भी गुण बन जाता है। जहर अगर संख्या किसी वैद्य के पास पहुंच जाए तो उसकी दवा बन जाएगी, आर्सेनिक संख्या, और वही अमृत भी अगर किसी अवगुणी व्यक्ति के पास पहुंच जाए तो वो जहर बन सकता है। बनेगा नहीं, अमृत तो जहर हो ही नहीं सकता, लेकिन संभव है। जैसे गोस्वामी ने उत्तर दिया है, मानस में उत्तर है कि कोई शराबी व्यक्ति, सुधारो आवाज साफ नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति शराबी हो, शराब लेकर के एक हाथ में स्वयं पी रहा हो और दूसरे हाथ में गंगा जल लिए हो, और किसी महात्मा से कहने लगे, महाराज ये वाला मेरा है और ये गंगा जल है, जरा आप संभालिए, तो कोई संत पिएगा? शराबी के हाथ से कोई गंगा जल भी नहीं लेना चाहेगा। हाँ, और कोई संत पुरुष भद्र पुरुष बना हो और वो लिए हो, ये गंगा जल ही कहेगा, ये लो, ये वो है,
वारुणी है, तो कहेंगे नहीं यार भद्र पुरुष है, कभी ऐसा किए नहीं है, हो ही नहीं सकता। सिनेमा घर में चले जाएं तो बंद हो गया शायद, और माला लेकर के राम राम जपो बाहर निकलोगे तो दुनिया क्या कहेगी कि माला जप रहे थे वहां। स्वामी जी ये बात, ये बड़ा प्रायोगिक रूप यहां देते हैं। कब हो न संत करहि तेहि पाना, संत लोग कभी पान नहीं करते हैं, शराबी के हाथ का गंगा जल भी नहीं पिएंगे। अवगुण भी अगर गुणी के पास पहुंच जाता है तो गुण हो जाता है, और गुण भी अगर अवगुणी के पास पहुंच गया तो अवगुण बन जाता है। रहीमदास जी ने नहीं माना, रहीमदास जी ने कहा ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। रही मन उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। कह दिया ना रहीमदास जी ने कि चंदन को जहर नहीं व्यापता है, भले ही सांप लोग लिपटे रहे। गोस्वामी जी ने कह दिया रहीमदास ऐसा नहीं है, अगर चंदन का की प्रकृति नहीं बदली तो सांप की भी प्रकृति नहीं बदली। बोलो बदली। तुलसी नीचे नरन ते होए न ऊंचो काम, और मिढ़त नगारा ना बनी चाहे सब चूहे का चाम। तुलसी कुसंगति लोग को का कर सके सुसंग, तुलसी चंदन लिपट के बदले नाही भुजंग। बदले प्रकृति, लेकिन शिव के पास अवगुण पहुंच जाए तो गुण हो जाए। जे जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पही में अनुमाने। शंकर जी के साथ अगर विवाह हो जाए तो अवगुण भी गुण हो जाए। दोनों दंपत्ति ने चरण पकड़ लिए, देवर्षि कैसे होगा बताया, आपकी बेटी तपस्या करे तो शिव जी रिझ जाएंगे, विवाह हो जाएगा। लेकिन बिटिया छोटी है, कैसे तपस्या के लिए जाए। प्रातः काल उठी है पार्वती माता, माता हम तो तपस्या करने जाएंगे, हट कर दिया। बेटी अभी बहुत छोटी हो, अवस्था की बात नहीं होती तपस्या में। मां तपस्या में जो अवस्था ढूंढते हैं, और पढ़ने के लिए व्यवस्था ढूंढते हैं, जो लोग पढ़ाई के लिए व्यवस्था ढूंढते हैं उनको विद्या नहीं आती है, और जो तपस्या के लिए अवस्था ढूंढते हैं उनकी तपस्या पूरी नहीं होती। स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं बात, वैराग्य की तैयारी नहीं की जाती है। वैराग्य की तैयारी जीवन भर करते रहोगे, वैराग्य नहीं मिलेगा। बेटी का विवाह कर दे वैराग्य ले लूंगा, बेटे का विवाह कर दूं वैराग्य में चला जाऊंगा, कदापि नहीं जा सकते। तब तक बेटे का विवाह करोगे तो छोटा सा बालक उसके हो जाएगा, बाबा कहना शुरू करेगा, आप कहीं नहीं जा सकते। तैयारी, वैराग्य की तैयारी नहीं होती साहब, वैराग्य वैराग्य होता है। माता पार्वती चलने लगी, हट करके तप करने, माँ पिता ने विदा कर दिया, और विदाई के बाद रोने लगे तो वेद शिरार ऋषि आए हैं वहां पर और दोनों दंपतियों को समझाए हैं। माता पार्वती ने बहुत घोर तप किया है, कुछ दिन प्रसाद पाया है, भोजन किया, कुछ दिन हवा पिया, और कुछ दिन बेलपत्र खाया, कुछ दिन सूखे पत्ते खाए, सूखे पत्ते भी छोड़ दिया, परना नाम पड़ गया। घोर तप इधर पार्वती माता का चल रहा है, उधर इंद्र के सिंहासन पर तारकासुर नाम का दैत्य बैठ गया, तारकासुर आ गया। ये तारकासुर कौन है? तारकासुर वह है जो कहीं राम कथा होना हो और जैसे होल्डिंग लग जाए, प्रचार लग जाए, सोना होना शुरू हो जाए, वैसे एक आध मिल जाते हैं। क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, देखो क्या होने जा रहा है।
पढ़ लेंगे पूरी और पूछेंगे क्या हो रहा है। अंधे हैं बिल्कुल, ये मन के अंधे हैं। देखकर भी जो न जान पाए वो मन का अंधा है। देखकर भी पूछना पड़ जाए इसका मतलब मन अंधा है, कान ही उनका सही चल रहा है, श्रवण इंद्रिय सही है और अंधा है, एक इंद्रिय काम कर रही। क्या हो रहा भैया, क्या हो रहा जी, पढ़ लो। पढ़ लिए फिर भी नहीं जान पाए, बिना पूछे नहीं मानेंगे, श्रवण इंद्रिय वाले है ना, क्योंकि जीवन भर प्रपंच सुना है। प्रपंच सुनने से श्रवण इंद्रिय थोड़ा ज्यादा खुली हुई है, इसलिए आंख का प्रयोग होने पर भी मन अंधा हो गया। ऐसे तमाम मिलेंगे आपको। और क्यों हो रहा है फिर पूछेंगे, क्यों हो रही राम कथा। राम कथा में जो बाधक होते हैं उनका नाम तारकासुर होता है। ये तारकासुर जब तक मरे ना तब तक राम कथा चले ना। भाई शंकर जी की व्यासपीठ तो तारकासुर के मरने के बाद ही लगेगी ना, माता पार्वती तो तभी कथा सुन पाएंगी। तारकासुर नाम का व्यक्ति इंद्र के सिंहासन पर बैठा, इंद्रादिक देवता व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा क्या करे, वरदान तो मैंने दिया है लेकिन इसकी मृत्यु भगवान शंकर के शुक्र से जो पैदा होगा बेटा उसके द्वारा होगा। और शंकर जी तो सती को छोड़कर के समाधि में बैठे, पार्वती का जन्म हो चुका है लेकिन समाधि में है। इंद्र रोने लगे, पितामह कोई उपाय करो, एक काम तुम कर दो इंद्र, एक काम मैं कर दूंगा। देखिए भारतीय संस्कृति की ध्वजा कितनी अच्छी है। इंद्र ने कहा मुझे क्या करना है, शिव की समाधि तुम तोड़वा दो और जुड़वा मैं दूंगा। ब्रह्मा जी ब्राह्मण शरीर है, ब्राह्मण का काम जोड़ना होता है साहब, ब्राह्मण कभी तोड़ता नहीं है, एक निर्जीव चीज को जोड़ देता है। दूल्हे के गमछे को पेटुका जिसको कहते थे उसको, और दुल्हन की पिछौरी को, उसमें कोई जीव तो है नहीं, है कहीं जड़ है, और दोनों के बीच में दुर्वादल लग करके, अक्षत रख करके, दक्षिणा रख करके एक छोटी सी गांठ से जोड़ दिया, पूरा जीवन जुड़ जाता है। ब्राह्मण तो जोड़ना जानता है, ब्राह्मण जोड़ता है। ब्राह्मण उसे कह लेना, परिभाषा मिल गई आपको, ब्राह्मण उसे कहना जो जोड़े, और जो तोड़ता है ब्राह्मण नहीं होता है। इसीलिए जीव को ब्राह्मणी कहा गया है, हर शरीर में जो जीभ बैठी है ये ब्राह्मणी है, ये भी जोड़ती है। तोड़ते तो दांत हैं साहब, दांत तोड़ते हैं इसलिए तोड़े जाते हैं, दांत तोड़ते हैं इसलिए टूटते हैं, दांत तोड़ते हैं इसलिए स्वाद नहीं पाते हैं, जीभ जोड़ती है इसलिए स्वाद पाती है। लेकिन दांत भी बड़े विचित्र हैं, जरा सी बहन जी चूक जाए तो चूकते नहीं है। देखिए दांत चूकते नहीं, बहन जी को काट लेते हैं, और दांत में जब पीड़ा होती है तब यही बहन जी डॉक्टर साहब के पास जाती हैं और कहती हैं डॉक्टर साहब भैया को पीड़ा हो रही है तो देख लो। इतनी कितनी निष्ठावान है बहन जी, ईमानदार, सारा स्वाद लेकर के अंदर भेज देती है। दांतों ने सोचा कि चलो एक बार बहन जी ही पूरा स्वाद ले रही है, हम लोग भी ले लें थोड़ा थोड़ा। तो दांतों ने एक चावल का कण अपने पास ले लिया, छुपा लिया। बहन जी पहुंच गई वहां, भैया चोरी नहीं करते, निकालो। पहुंच गई ना, दांतों ने कहा और अंदर खींचो नहीं, बहन जी जान गई। बहन जी ने कहा अंदर कितना भी खींचो, निकाल दो भैया, चोरी अच्छी बात नहीं है, और नहीं मानोगे तो मैं अपने तिनके भैया का सहारा लूंगी। और तृण का सहारा लिया और दांत के बीच से निकाला। दांतों ने फिर भी अगर धृष्टता कर दिया और चोरी कर लिया तो सड़ गए साहब। तब भी बहन जी साथ नहीं छोड़ रही, डॉक्टर से जाती कहती डॉक्टर साहब भाई साहब को रोग है, इन्हें निकालो। निकालते ये जोड़ने वाले और तोड़ने वाले, जोड़ो। ब्रह्मा ने कहा मैं जोड़ दूंगा, समाधि तुम तोड़वा दो। कामदेव को बुलाया और समाधि भेजा, जाओ शिव की समाधि तोड़ो। कामदेव गए हैं, अपने बाण चलाए हैं, विषम और विषक बाण का प्रयोग किया। आम के पेड़ पर बैठकर काम ने दो बाण
का प्रयोग किया भगवान समा कि शिव की समाधि छूटी टूटी नहीं, ना तो जगे ना पूर्ण हुई और टूटी छूटी छूटी समाधि शंभु तब जागे। जागे और देखा कामदेव आम के पेड़ पर बैठा हंस रहा है, ऐसे क्रोध में देखा कि तीसरा नेत्र खुला और कामदेव भस्म हो गया। तीसरे नेत्र से आग ही नहीं बरसती है, इससे जल भी बरसेगा, ये भी ध्यान रखना। शिव चाहे सो बरसे, ये नहीं कि आग ही निकलती। राम जी के विवाह में इसी नेत्र से आंसू बह रहे थे, झरझर झरझर झरने बह रहे थे। नयन पंचदश अति प्रिय लागे, पंद्रह आंख खोल दिया था भगवान शिव ने। इसलिए कामदेव भस्म हुआ, रति को वरदान दिया। ब्रह्मा जी पधारे चरणों में, ब्रह्मा जी ने कहा विवाह कर लो। क्या विवाह करें अब, देवताओं ने कहा विवाह किस काम का, जब काम ही नहीं रहा तो विवाह किस काम का, काम जल गया तो विवाह किस काम का। भोलेनाथ ने कहा मैं काम के लिए नहीं, मैं तो अपने राम के लिए विवाह करना चाहता हूँ, राम कथा चल पड़े तारकासुर मर जाए, इसलिए मैं विवाह करने तैयार हूँ। भगवान आए, भगवान ने भी अपने संबंधों को बताया, विवाह का निवेदन किया, टीका भेजी गई महाराज हिमांचल महाराज के यहाँ, सती माता पार्वती की परीक्षा करवाया सप्तर्षियों द्वारा और टीका गई है, तैयारी हो रही विवाह की। इधर भगवान भोलेनाथ दूल्हा साजा जा रहे हैं, भाई जल्दी चलना है, भोलेनाथ की बारात बड़ी दिव्य है। देखो किसी के घर में विवाह होता सबसे पहले व्यक्ति कहता भैया देखो कोई असगुन न होने पाए, हाँ, लेकिन भोलेनाथ के यहां असगुन भी बराती में गए। यही एक ऐसी बारात है इसमें सब गए, बाबा की बारात है। एक व्यक्ति ने कहा भोलेनाथ बाबा कैसे हैं, देखो देवताओं से हमारे संबंध हैं, भोलेनाथ बाबा कैसे हैं, तो हमने कहा जब गणेश जी बप्पा हैं तो भोलेनाथ बाबा नहीं होंगे, वो गणपति बप्पा कहते नहीं कहते, अरे जब भोलेनाथ बाबा हैं तभी तो गणेश जी बप्पा कहे जाएंगे, संबंध भी देवताओं से हमारे बने हैं, संबंध है। भोलेनाथ दूल्हा साधे जा रहे हैं, गोस्वामी जी बहुत बढ़िया पंक्तियां बोल रहे हैं, हम सब गाए हैं। शिव ही संभोगन करे सिंगारा, ही संभोगन करे सिंगारा, शिव ही संभोगन करे सिंगारा, जटा मुकुट लगे और सवारा, कुंडल विभूति पट के हर छाला, शशि ललाट सुंदर शिव गंगा, नयन तीन उभ पीत उजगा, करल कांत उर सिर नर माला, करल कांत उर नर सिर शिव वेश शिव भाव कृपाला, अशिव वेश शिव भाव कृपाला, कर त्रिशूल अरुण डमरु विराजा, कर त्रिशूल अरुण डमरु विराजा, चले बसा चढ़ी आज बाजा, चले बसा चढ़ी आज बाजा, चले बसा चढ़ी आज बाजा। बाबा की बारात सज रही है, पहले दूल्हा साजा गया, बारात तो तभी बनेगी, बारात तो तभी बनेगी ना। भगवान भोलेनाथ कैसे साजे जा रहे हैं, शिव ही संभोगन करें सिंगारा, भगवान शिव के गण सिंगार कर रहे हैं, जटा मुकुट अहि मोर समारा, क्या क्या समारा है, ये एक भजन सुनते बढ़िया सा, भगवान शिव कैसे दूल्हा बन रहे हैं, जरा दूल्हा बन जाए तब इन पंक्तियों की बड़ी सुंदर व्याख्या है, भाव मस्ती में गाएं। बजे सगरो बजनवा पगड़वा पे बाजे
सकरो भजनवा पहाड़वा पे बाजे सकरो भजनवा पहाड़वा पे सातो सुर सहताई बाजे बाजे तार बधैया 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 भूत प्रेत सब गीत सुनावे भूत प्रेत सब गीत सुनावे सिर सोहे बाघ अंबर को कबर कसे है बाघ
बसे हैं शिव सब सुंदर को है पहिरे पहिरे सपवा के कंगनवा पहाड़वा के ओ पहाड़वा पे ओ पहाड़वा पे ओ पहाड़वा पे बाजे सगलो भजनवा पहाड़वा के बाजे सगलो भजनवा पहाड़वा पे गंगा लहर रही है चंद्र कला धर माथे सिर पर गंगा लहर रही है चंद्र कला धर माथे सिर पर गंगा लहर रही है चंद्र कला धर माथे सिर पर गंगा लहर रही है चंद्र कला धर माथे उरग जने वो कांधे डारे उरग जने वो कांधे डारे भिंगी सब सब आए 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 रमा के सजनवा पहाड़वा के 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 भगवान शिव का ये श्रृंगार हुआ है जटा मुकुट अहि मौर समारा जटा भगवान शिव की उसका मुकुट बनाया है और मौर बनाया सांपों का सांप का एक नाम है काल काल के दो अर्थ होते हैं काल माने मृत्यु और काल माने समय विवाह करने चलो तो दोनों को ध्यान रखो एक दिन मृत्यु भी आएगी और विवाह करने चल रहा हूं अब समय का भी ध्यान ठीक से होना चाहिए अभी तक जो घूमे सो घूमे और जटाओं का मौर क्यों बना जटा सिर पर है सिर में बुद्धि होती है बुद्धि में विचार होते हैं आज तक हमारे विचार बिखरे थे तो बिखरे थे अब मैं विवाह करने चल रहा हूं अब विचार बधा होना चाहिए विचार की एकता होनी चाहिए इसलिए जटाओं का मुकुट बना सांप के मौर बने हाथ का कंगन भी बना सांप का क्यों हाथ में नाड़ी होती है नाड़ी चलती है तब तक जीवन होता है ये नाड़ी भी काल के बंधन से बंधी है ध्यान रखना है गृहस्थी में जाना है लेकिन समय का ध्यान रखना है गृहस्थी के कुचक्र में फंसकर रहना जाए इसीलिए वानप्रस्थ आश्रम में आगे जाना है भगवान शिव के जो श्रृंगार हो रहे हैं उसके पूरे पूरे सब अर्थ है कमर में बाघंबर पहन लिया बाघ जीवन का सबसे बड़ा संयमी जीव होता है विवाह करने चलो लेकिन संयम को छोड़कर नहीं संयम को बांध कर चलो कमर बाघंबर से कसी संयमित होकर विवाह करना असंयमित होकर विवाह का अर्थ नहीं बनता इसलिए बाघंबर पहना बैठे किस पर बैल पर बैल धर्म का प्रतीक है विवाह करने चलो लेकिन धर्म छोड़कर नहीं धर्म को साथ लेकर चलना चाहिए
विवाह में प्रायः लोग उतावले हो जाते हैं, तो भगवान शिव के विवाह से यहाँ अर्थ लेना चाहिए। नंदी बाबा आ गए, नंदी पर विराजमान हुए, नंदी पर बैठने को हुए भोलेनाथ, तो पूंछ की ओर मुंह कर लिया। कुछ लोगों ने पूछा, भोलेनाथ पूंछ की ओर मुंह क्यों किए हो? तो बाबा ने कहा, चलना नंदी को है कि हमें है, अब टेम्पू पर चाहे उधर मुंह करो चाहे इधर करो, पहुंचना तो जहां पहुंच जाएंगे, हाँ मैजिक पर बैठो चाहे जिधर बैठ जाओ, पहुंच चलना नंदी को है। मैं तो पीछे की ओर मुंह इसलिए कर रहा हूं कि पीछे बारात में हमारे नारायण आ रहे हैं, नारायण से विमुख होकर के विवाह नहीं करना चाहिए, नारायण के सम्मुख होकर विवाह करना चाहिए, अपने भगवान का दर्शन करते हुए चलूंगा, परम वैष्णव शिव है। विभूति लगा लिया, चिता भस्म लगाया। क्यों लगाते हैं चिता भस्म? इसलिए कि हम भारत में पैदा हुए हैं, भारत में व्यक्ति जीवित रहते राम राम कहे कहे, और न कह पाए अगर तो मरने के बाद चार लोग जब कंधे पर लेते हैं तो पीछे राम राम कहते हैं। इसीलिए भारत में स्वर्गीय कहा गया है, नरकीय किसी को नहीं कहा गया। हमारा चिंतन है, मरने के बाद भी व्यक्ति राम राम कहलवा देता है, चार कंधे पर सवार होकर भी राम राम कहलवा देता है, और अगर जीवन रहते रहते राम राम कहलवा दे साहब तो धन्य। भगवान भोलेनाथ एक बार जा रहे थे, देखा कंधे पर लदा हुआ व्यक्ति जा रहा है, पीछे से राम राम बोला जा रहा है। भोलेनाथ कहे, हमारे वाले हैं, हमारे दल वाले हैं, इनके साथ रहना चाहिए। लोग अपने अपने दल वाले के साथ रहते हैं ना, अपने दल वाले हैं, हम राम नाम का प्रचार करते हैं, भी राम नाम का प्रचार कर रहे हैं। पहुंचे और जब चिता पर लिटाया उसको, तब किनारे किनारे लोग बैठे, प्रपंच शुरू किए, राम राम भूल गए। शमशान में ये होता ना, भगवान भोलेनाथ समझ गए कि जब तक वो कंधे पर सवार था तब तक ये राम राम कह रहे थे, और जैसे वो उतर गया है राम राम कहना भूल गए। इससे अच्छा तो वही है जो कंधे पर सवार था। भोलेनाथ चिता के पास गए तब तक वो जल चुका था, उसकी राख बची थी, उस राख को लगा लिया, जो मरने के बाद राम नाम का प्रचार करा दे उसके चिता की राख मेरा श्रृंगार कर देगी। ये वैष्णव धर्म है। चिता की राख का श्रृंगार किया और विराजमान हुए, दूल्हा चढ़ा, हिमांचल महाराज की नगरी पहुंचे, वहां बड़े बड़े पहलवान खड़े हैं, जन्मासा हम बताएंगे। एक प्रेत पहुंचा, पूछने लगा, जन्मासा किधर है? बेचारा आंख मूंदा और कहा, उधर है। गांव के बच्चे दौड़े थे, घबरा की बारात देखूंगा। जैसे एक प्रेत को देखा, भागे, भाग रहे आगे, देख रहे पीछे, भाग गए घर में। माताजी दौड़ी, क्या हुआ? दरवाजा बंद करो। बच्चे को बैठा लिया, दरवाजा बंद करो। घबरा की बारात कैसी है? बारात तो जैसी है वैसी है, लेकिन ये बारात अगर एक आध महीने रह गई हिमाचल नगरी में तो परिणाम क्या होगा, कहो तो बता दे। क्या परिणाम होगा? कहा, जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। जो बारात देख करके जीवित रह जाए, समझो बड़ा भाग्यशाली। ऐसी बारात, बारात देखते ही मर जाना है। खैर, जैसे बारात पहुंची, अब द्वार पूजा की तैयारी हुई, भोलेनाथ चले, माता इधर मैना माता आरती की थाल लेकर चली, सोने की थाल में बढ़िया आरती सजाया है, कलश में जल लिया है, और गई हैं परिछन करने। दूल्हे को परछा जाता है, परिछन करने गई, आरती करने गई। देखा जैसे भोलेनाथ को, आरती की थाल वहीं छोड़ दिया, कलश का जल छोड़ा। ऐसे बर के साथ विवाह नहीं करना है। बर पुनः जन्मासे में, एक ने कहा, भोलेनाथ बड़ा अपमान हुआ, कोई आरती करने आवे आरती न करे, वहीं आरती छोड़ दे तो अपमान नहीं है? कैसी की आरती करूंगी, अपमान नहीं हुआ? भोलेनाथ ने कहा, बड़ा सम्मान हुआ। सम्मान है कि अपमान है? आरती करने आए, कहा इनकी आरती नहीं करूंगी, अपमान हुआ? भोलेनाथ ने कहा, आपको क्या पता है, मेरी माता मैना जानती है, जिनके नेत्र में आग भरी है उनको दीपक दिखाने का क्या अर्थ है साहब? ये सकारात्मकता ढूंढना। कहा, तो कलश का जल क्यों छोड़ दिया? कहा, सिर पर देखा गंगा लहरा रही है, जिसके सिर से गंगा का प्रवाह हो, एक कलश का जल क्या माने रखता है? हिमालय को कोई आइसक्रीम दिखा दे। तेरा सम्मान किया। नारद जी गए हैं, माता मैना को समझाए हैं, और मैना माता तैयार हुई हैं। बारातियों का पहले यहां अंतर है, राम जी की बारात में भोजन विवाह के बाद हुआ है,
द्वार पूजा के बाद। भोलेनाथ के विवाह में भोजन पहले हो गया है, द्वार पूजा बाद में हुई है। पहले खाओ। जन्माष्टमी में मीटिंग की गई, मीटिंग करो। क्यों मीटिंग की गई? ईटिंग के लिए। दुनिया में जितनी मीटिंग होती है सारी मीटिंग का अर्थ ईटिंग है। सारी मीटिंग ईटिंग में फंसी है। भोलेनाथ आपके घर से चले, आपने भोजन नहीं पूछा, हमें यहाँ खाने दो, ठीक है चलो व्यवस्था बने। हिमांचल महाराज ने कहा भाई बराती खिला दो, बराती बेचारे को क्या मिलता ही है, भोजन के अलावा बराती क्या पाते हैं। विवाह में चार चीजें देखी जाती हैं। पिता देखता है कि खानदान कैसा है बिटिया वाले का, माता देखती है बहुरिया मेरे लिए क्या लाएगी, लड़का देखता कितनी सुंदर है, बाराती देखते हैं आइटम क्या मिलेगा, उनको और कुछ लेना देना नहीं है। अब बेचारे खाने के लिए आए, भोजन भी न मिले। हिमांचल महाराज ने कहा खिलाओ। बैठ गए भूत प्रेत, एक पत्थर लेकर गया परोसने, रुका क्या हुआ, यहां समस्या है। क्या समस्या है? इनको पत्थर दे कि ना दे? क्यों? इनके मुंह नहीं है। अंदर से आवाज आई, इससे तुमको क्या लेना देना, रख पत्थर। पत्थर रखा, भागा बेचारा। कौ मुखहीन, दूसरा गया पत्थर परोसने, उसने वो भी रुका, कहा तुम क्यों रुके, कहा इनके कई मुंह हैं, कितने पत्थर लगा दें। उसने कहा चारों लगा दो, वो भी भागा। तीसरा गया, इनको पत्थर देना दे, कहा क्या हुआ इनको, कहा इनके पेट नहीं है, खाएंगे नहीं खाएंगे। उसने कहा रखो, सबसे अधिक तो हमारे नंबर है, अधिक मैं ही खाऊंगा, पेट से कुल लेना देना नहीं। को मुखहीन विपुल मुख का सबके अर्थ है। मुखहीन कौन है? मौनी बाबा है। विपुल मुख कौन है? विपुल मुख वक्ता लोग हैं जो राम कथा बोल रहे हैं, यहाँ ये लिखा वहां वो लिखा, हजार ग्रंथ का उदाहरण दे दें, वो बहुत मुख वाले व्यास लोग हैं। मौनी लोग गए थे, व्यास लोग गए थे, पेट के छीन वाले योगी लोग गए थे और बड़े पेट वाले भोगी लोग गए थे। एक पहुंचा बारात में, कहा पत्तल परोस रहा हूं, यहाँ दू कि ना दू? कहा क्यों? यहाँ समस्या है, इनका पेट बहुत बड़ा है, बड़ा वाला पत्तल दे। कहा छोड़ो सब धरख दो। पत्तल परोसा गया, भूत प्रेत ने समझा भोजन आ गया, पत्तल गिलास सहित समस्या बढ़ी। क्या हुआ महाराज? पत्तल समाप्त हो गया, क्या करें महाराज? भूत प्रेतों ने समझा यही भोजन है। हिमांचल महाराज ने कहा आप पत्तल में भोजन लगा लगा कर दो। तब से पारुष की व्यवस्था चल गई, पारुष होता नहीं, भोजन परोस करके दे दिया जाता, ले जाओ। पत्तल में भोजन परोस परोस कर दिया गया, सब स्वाहा एक बार में, बढ़िया भोजन हुआ। और वहां ब्रह्मा जी बैठे, सप्तर्षि बैठे हैं और पाणिक ग्रहण संस्कार होने लगा, वैदिक रीति से भगवान शिव का विवाह होने लगा। और विवाह हो रहा है भगवान का, हम लोग दो चार चौपाई भगवान शिव का गा दें, क्योंकि समय भी बहुत तेज बढ़ गया है। आओ मस्ती में गाएं। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ये हर से तब सकल सुरे विवाह, हर गिरिजा कर भ
विदा हुआ और सारे भुवन में उछाप फैल गया। विदाई हुई, खूब दहेज मिला, कैलाश गए, वहां पर एक बालक का जन्म हुआ कार्तिक स्वामी जी का, और उन्होंने तारकासुर का वध किया। वध के बाद अब राम कथा चल पड़ेगी। द्वितीय, आपने थोड़ा सा संख्या बल बढ़ाया है, एक मैं निवेदन करूं कि मास्क सब लोग अपने घर से लेके आइए और मास्क लगाइए। मास्क लगाने के लिए दिए गए हैं, वो गले में शोभा दे अच्छा नहीं लगता सर, क्योंकि गले से गले में मास्क लगाने का कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए उसको जहां लगाना है वहीं लगाइए। तो ये बात, और दूसरा आइए भगवान की कथा सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा जो गाइडलाइन है उनका पालन कीजिए। गाइडलाइन कोई है, सरकार के गाइडलाइन आपकी सुरक्षा के लिए बनाई गई है, तो सुरक्षा को ध्यान में रखिए, और सुरक्षा चक्र टूटा तो फिर घटना घटेगी, इसलिए सुरक्षा चक्र तोड़ना नहीं है, सरकार की गाइडलाइन का पालन करना है और भगवान की कथा के साथ आनंदित भी होना है। पूरे परिवार के साथ आइए, पूरा कथा का आनंद लीजिए। दो दिन निकल गया, नौ दिन और बचा है, प्रायः राम कथाओं का अनुष्ठान नौ दिन का ही होता है, हमने बोनस में दो दिन रखा है। अब आप समझ लीजिए कि आपके कल से आप राम कथा के अनुष्ठान में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए कल से अपने पूरे परिवार और मित्र मंडली के साथ पधारे और नौ दिन इस राम कथा को महोत्सव में परिवर्तित करें, ऐसा आप सभी से अपेक्षा है। और विशेष रूप से पार्षद जी शुक्ला जी, आदरणीय श्री प्रदीप शुक्ला जी और रामकिशोर भैया, आप दोनों लोगों से अपील है कि कल सवेरे सारा काम त्याग के सवेरे आइए और ये सुनिश्चित कीजिए कि ये व्यवस्था खूब बढ़िया से चकाचक राम जी के दरबार में कल शाम को इतना बढ़िया जन समूह हो, ताकि परसों मैं बताऊं भगवान के जन्मोत्सव की बारी है, परसों भगवान पधारेंगे, वैसे भगवान पधारेंगे तो स्वागत पूरा लखनऊ करना चाहिए, लेकिन फैजुल्लागंज वासियों का ये बड़भागी है कि फैजुल्लागंज में राम जी पधारेंगे, तो आप सब स्वागत कीजिए पूरे परिवार के साथ। हम लोग भी तैयारी करेंगे परसों कि खूब धूमधाम से, कि धामधूम से, कैसे धूमधाम से राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाए, तो परसों ये कार्यक्रम रहेगा और सपरिवार पधारे, मंगल कामना सबको। और आइए भगवान की आरती का समय, मंच पर सादर आमंत्रित श्रीमान रजनीश गुप्ता जी उपाध्यक्ष हैं कार्यकारिणी नगर निगम लखनऊ के, कृपया पधारें आरती की हेतु। उन्हीं के साथ श्रीमान प्रदीप शुक्ला जी पार्षद, आदरणीय श्री राम किशोर लोधी जी पार्षद प्रतिनिधि, और हमारे ख्याल से पार्षद महोदय भी आई हैं, श्रीमती रन्नो देवी जी हमारे बीच पधारी हैं, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है, कृपया मंच पर पधारें भगवान की पावन आरती के हेतु। और शुक्ला जी की धर्मपत्नी नाम गरिमा शुक्ला जी, आप भी मंच पर सादर आमंत्रित अपने मंडली के साथ। आदरणीय श्री शिवाकांत पांडे जी मुन्नू भैया सादर आमंत्रित, दिनेश तिवारी जी कृपया सादर पधारे, और श्रीमान गिरीश चंद जी हैं उपाध्यक्ष हैं ललित कला अकादमी के, आप भी सादर आमंत्रित। श्रीमान विश्लेष सिंह जी, भैया आपके साथी राम सिंह भैया नहीं आए क्या, हाँ तो उनको भी लाइए। आदरणीय श्री राम शरण सिंह जी सपरिवार शायद पधारे हैं क्या, ये गलत बात है, कल तो राम शरण सिंह जी मंडल उपाध्यक्ष हैं उत्तर मंडल चार के, मंच पर सादर आमंत्रित हैं भगवान की पावन आरती के हेतु। नैमिष्य महाराज जी पधारे हैं, आपको राम नाम जागर मंच की ओर से सादर प्रणाम, कृपया मंच पर पधारे भगवान की पावन आरती की हेतु। सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, एक आरती की थाल यहां से करवा दिया करें, जो लोग हैं यहां से आरती कर लिया करें, ऐसा कुछ सुनिश्चित कर लें आचार्य गण, कृपया यहाँ जो पीछे जितने भी लोग आगे आके क्रम से यहीं से आरती कर सकते हैं, सबको सादर आमंत्रित किया जाता है। और आज की पावन मंगलमयी आरती भगवान शिव के पावन चरणों में सादर समर्पित, चामुंड दीक्षित जी कृपया मंच पर आ जाएं।
यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषस्य थाने विश्वोद्गतं कारणं ईश्वरमवा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता अस्तुवंत दिव्य अस्तवै वेदैः सांग पदक्रमोपनिषदैत गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं यमयोगिनं यशान्तं न विदुः सुराशुरगणा देवाय तस्मै नमः नंदी ब्रह्मचारी बोले नंदी ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावत निज उठ भोग लगावत महिमा अति भारी बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पूज्यपाद श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री व्यास जी महाराज की जय। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गंगा माता की गौ माता की दो बार भारत माता की जयकारा बोले समस्त देवी देवताओं की जयकारा हो जाएगी विश्व के भारत माता की जय हो भारत माता की जय हो धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु कुछ लोग
प्रदीप भैया ऐसी व्यवस्था कर दें भोजन प्रसाद की जो वहाँ कुछ लोग लड़के जो अपनी ड्यूटी आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है। महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर वन औषधि एवं टॉनिक प्रायोजक पेट सफा आयु